तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से असलकुम मैं हूं मोहम्मद शहज़ाद और आप देख रहे हैं स्टूडियो इनवाइट ऑन सूफी गाइडेंस चैनल यूट्यूब सेम स्ट्रीम यू कैन वॉच ऑन फेसबुक ग्रुप इस्लामिक सूफी वज़ाइफ वी आर लाइव फ्राम सूफी गाइडेंस स्टूडियोज़ मानचेस्टर विच कम्स अंडर द बैनर ऑफ सूफ़ी गाइडेंस नैटवर्क लिमिटेड नाजरीन इंसान जब दुनिया में आता है तो हमेशा रोते हुए आता है किसी भी हिस्से में हो उस हवाले से उस हिसाब से उसकी कोई ना कोई टेंशन कोई ना कोई परेशानी होती है जैसे जैसे बड़ा होता है परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं अगर आप ओवरऑल अपनी दुनिया को देखो आपके आसपास जितने लोग हैं कहीं ना कहीं आपको लोग परेशान हाल नज़र आएंगे ऐसी परेशान हाल दुनिया में कुछ लोगों के पास ऐसी सलाहियत होती है ऐसी क़वत होती है कि वे रोते हुए चेहरों पर हँसी ले आते हैं वो उदास चेहरों पर मुस्कुराहट ले आते हैं ऐसे ही एक गेस्ट हमारे साथ हैं मानी लियाकत इनके तारफ़ के बारे में मैं इतना बता दूं कि ये मैनचेस्टर के ब्रिटिश एशियन अवॉर्ड विनिंग कॉमेडियन एक्टर टीवी होस्ट हैं ही वॉज़ अपेयर्ड इन बी बी सी डॉक्यूमेंट्री मुस्लिम लाइकास उसके अलावा मानी हैज़ बीन एवॉर्डेड एज यूकेज फनीस्ट एशियन कॉमेडियन माशा ही अपेयर्ड इन बॉलीवुड फीचर फिल्म पुशर चैनल वी चैनल हम टी वी जो जिसपे वो एड हुआ था वहाँ भी जो है ये अपेयर हुए ब्रिटिश एशियन कॉमेडियन के अलावा उन्होंने मिस बॉलीवुड यूके जो बर्मिंघम के बिगेस्ट एवेन्यू आईसीसी में था उसमें भी परफॉर्म किया तो हमारे साथ मानी लियाकत हैं और साथ साथ शाह साहब रज़ा अली शाह अलाबदी जिन्हें हम शाह साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मानी भाई अस्सलाम वालेकुम शाह साहब क्या हाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरी तरफ से सबको सलाम अलैकुम Straight away go to mati. <laughs> <laughs> it's better to stay away today. <laughs> yes. <laughs> it's better to stay away. La khmadu wa na salli ala rasoolil kareem wa ma wada waz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Jannatul halal, dozakul haram. थू 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 <laughs> ये आ, आज का प्रोग्राम पता लग रहा है लाइवली है ये 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 डिपेंड करता है ये थू 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 किसके ऊपर है ठीक है ये कोरोना दूर करने के लिए था <laughs> कोरोना कोरोना <laughs> थैंक यू शहजाद भाई आपका जी अल्लाह को खुश रखे सेहत दे और मुझे लगता है कि मैं मैनचेस्टर में नहीं मैं हॉलीवुड की किसी सेट में बैठा हूँ आपस की बात है माशाल्लाह और इतनी क्लैरिटी और मुझे सिर्फ ये खुशी है कि मैं इस कुर्सी में पूरा आ गया हूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँगा शायद कुर्सी समेत ही जाऊँगा ठीक ठीक नहीं ये ये वैसे ये एक बड़ी खुशी की बात है और बड़ी एक अप्रीशिएट करने वाली बात है देखें क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं जी जी होस्ट भी किया आपने टीवी होस्टिंग भी किया आप कॉमेडियन कॉमेडियन भी है तो उस हवाले से इस सेट को जिस तरह से आप समझ सकते हो हाँ। तो क्योंकि ये प्रोफेशनल नज़र से देखते हैं ना यह, यह, तो उसमें थैंक यू वेरी मच अच्छा मानी भाई बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं ठीक है, <laughs> है न मेरी दा, फोन कर कहाँ पैदाइश हुई पले बड़े कहाँ मैं सियालकोट में पैदा हुआ और वहीं पर एक बड़ी हम्बल सी माशा हमारी बैकग्राउंड है आ, तो मेरे वाला साहब मरहूम लियाक़त रहीम साहब उनका अपना एक बिज़नेस था काम था उस टाइम पानी स्पोर्ट्स तो उस टाइम एटीज़ में तो बड़ा एक ब्रांड था बड़ा नाम था ठीक लेकिन हमारे घर का माहौल बड़ा सिंपल सा बड़ा सादा सा था तो वहीं पे पैदा हुए वहीं पे पले बड़े आ, बीच में ये कि मैंने बोर्डिंग स्कूल मरी भी गया लाहौर भी पढ़ा तो लेकिन घूमते फिरते रहे हैं सही बट माई फर्स्ट फिफ्टीन ईयर्स जी मेरी लाइफ के मोस्टली सियालकोट में गुजरे हैं सही मतलब हाँ कॉलेज वगैरह सब पाकिस्तान में तो हाँ जी मैट्रिक वहीं पे किया आ, मुझे लगता है कि मैंने किया मुझे पका याद नहीं है आजकल आपको पता ना यूट्यूब को बात कर तो बंदा एज करता है ऐजी झूठी सनत है कि तो मुझे याद है अब इसी मैट्रिक वहीं से किया लेकिन उसके बाद फिर हम यूके आ गए ठीक यूके का बात है यूके मैं 2000 में आया था विद फैमिली हाँ जी इधर मूव हो गए थे सही तो फिर यहाँ पे सिलसिला शुरू हो गया जहाँ पे दाना पानी लिखा होता है इंसान बिल्कुल वहीं पहुँच जाता है बिल्कुल तो इधर आने के बाद क्या मसरूफियात रही इधर यार इधर आने के बाद फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी जॉब है मैंने नहीं की मैंने बाथरूम भी साफ़ किए हुए हैं मैंने बर्तन भी धोए हुए हैं मतलब कि कई दफ़ा बाथरूम में बर्तन धोए हुए हैं <laughs> जगह नहीं ना मिलती थी ठीक, ठीक और ऐसा है कि सिक्योरिटी का भी काम किया डिलीवरी मैन का भी काम किया है ऊबर का भी काम किया है और सेल्फिज़ में भी काम किया है ब्रांडेड के भी बेचे हैं स्टार्स के साथ भी काम किया है और मार्केटिंग में भी काम किया अपना बिजनेस भी किया है लेकिन

या बाद में शौक़ पैदा हुआ क्या, सोचा कैसे आपने शिजाद अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसका अ, कोई मुनफरिद आंसर नहीं है उसकी वजह यह होती है कि जो शाह साहब हमेशा मेरा माशा बड़ा अच्छा पुराना तलक है शाह साहब से भी ये खुदादार चीज़ है कॉमेडी आप चार किताबें पढ़ के डॉक्टर बन जाते हो इंजीनियर बन जाते हो आप चार किताबें पढ़ के कॉमेडियन नहीं बन सकते यस बिल्कुल और सेंस ऑफ ह्यूमर और सेंस ऑफ कॉमेडी भी डिफरेंस है लोग इस चीज को मिला देते हैं मतलब कैसे मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ सेंस ऑफ ह्यूमर ये होता है कि आपको मेरी बात समझ आ रही है आप क्लिक कर, कर रहे हो आप इंजॉय कर रहे हो आप ऑब्जर्व कर रहे हो आप हंस रहे हो लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे सकते आप क्रॉस फायर नहीं करते दैट मीन्स इट्स ओनली सेंस ऑफ ह्यूमर बट वेन यू हैव सेंस ऑफ कॉमेडी आप फिर क्रॉस फायर करते हो सही आप उस चीज़ को बेसिकली जो है एक मतलब कि फॉर इंस्टेंस मैंने के बात की है जिसको हम कहते हैं वक्की जो गाल कड़ी ठीक है हुँ. आप बात से बात निकालते हो आप में स्पॉन्टेनिटी होती है कॉमेडी इज़ लाइक टाइमिंग जितना शाह साहब हम मुजाइफ वगैरह पढ़ते हैं एक रिदम में पढ़ते हैं एक जिक्र जब हम करते थे एक रिदम में जिक्र होता था कि अल्लाह इतनी दफ़ा कहना है इस तरह कहना है स्पीड में कहना है कॉमेडी इज़ जस्ट लाइक दैट इट्स अबाउट टाइमिंग ठीक तो आई थिंक वो एक अल्लाह पाक का करम था है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चीज़ है उसको फिर पॉलिश किया गया लेकिन शुरू शुरू मैं बड़ा हादसाती कमेडियन हूँ मतलब एक्सीडेंटली <laughs> मैं आया है मेरा हाँ। शौक तो हमेशा से था एक्टिंग की तरफ भी था थोड़ा बहुत होस्टिंग का था लेकिन कॉमेडी जस्ट हैपेंड तो फिर ये कि आज आपके सामने बैठे अलहमदिल्ला तो तो ये, ये बेसिकली आप जो कह रहे हो यू आर बेसिकली बॉर्न कॉमेडियन लर्न कॉमेडीटली है ना अब चीज चीज है वो ये कि वही बात है कि ये रुहानियत की तरह है कि you cannot हाँ। learn it. ये नहीं होती या तो होती है या नहीं होती अब देखे हम आगे हाँ। माशाल्लाह अपनी बेटी बिग गर्ल की बात कर रहे थे हाँ। तो वो अब उसमें आपने इसको कितना कुछ आप कुछ भी नहीं कुछ मिले अब कितना टाइम आपने गुजारा कुछ भी नहीं लेकिन उनमें है कि नहीं है ये एग्जैक्टली really exactly. आप सिखा तो नहीं सकते नहीं ये सकते। अंदर अंदर की हॉबी जिसे कहेंगे हाँ कि ये अंदर की हूबी खुदादार अंदर की भी नहीं है खुदादार शाहजी ने कहा नहीं रूहानियत से, से रिलेटेड है कॉमेडी इज रूहानियत बेसिकली क्योंकि आप रूह को खुश कर रहे हैं। आपका अपना इंटरेस्ट है रूहानियत में आप खुद रूहानियत को कैसे देखते हैं, <laughs> हैं, <laughs> हैं यारीर है लेकिन मैं एक बात बता दू के क्या कहते हैं उसको सबसे आसान काम होता है किसी को आप जो है रुला दे इट्स वेरी इजी सड़ी मार दो छोटी सी सड़ी मार दो दिल दुख जाए ना दिल दुखाना एक ही बात है किसी के चेहरे पे मुस्कुराना मुस्कुराहट लाना और उसको यानी कि हंसी एक ऐसी चीज़ है कि यू हैव टू कंट्रोल इट एट टाइम्स बिल्कुल वो बहुत मुश्किल काम है कि आप है। करवा सको

रूमी फरमाते थे कि जो आप किसी में कोई खूबसूरती देखते हो ना वो असल में आप अपने आप को देख रहे होते हो आप अच्छा देखते हो अच्छा सोचते हो तो इंसान इज़ ब्यूटी इज़ बेसिकली इज़ स्किन डीप वाकई स्किन डीप होती है और सेंस ऑफ ह्यूमर या ये जो एक ऐसी अल्लाह ताला की खुदादार चीज़ है ऐसी क्वालिटी है कि ये मैं समझता हूँ ये आपकी मुझे आप आई मीन नॉट इन अ बैड वे एम सेइंग लेकिन अगर मटेरियलिस्टिकली सोचा जाए

मेरी वाइफ कल आई थी जी। परसों मैंने बताया अलबत्त दो दिन पहले ही पता चल गया था मान ही आ रहा है वो बार बार एक बात अभी देख रही होगी लाइफ के आई वॉन्ट टू कम मैंने कहा यार क्या हो गया भाई कल भी जाते जाते कल मैं आ सकती हूँ मान ही आ रहा है मैंने कहा यार तुमने क्या बेइज्जती करानी नो ना। 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 है नो 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 ऐसा नहीं है बट ये मोहब्बत के रिश्ते हैं इज लाइक पार्ट एंड पार्सल माई किड्स लव एम एंड स्पेशली द यंग वन एंड वो तो मैं आपको हमेशा कहता रहा शादी मुझे दे दे <laughs> <laughs> वो मेरी बेटी है वो मेरे टाइप की है नहीं अल्लाह ताला ब्लेस और माशाल्लाह उसमें है। करंट है बाकी भाभी मारी देख रही है बहन मेरी देख रही है तो अस्सलाम वालेकुम एक दिन ये लोग दुबई गए मैंने फोन किया ना शादी से बात हो रही तो मुझे सारी जिंदगी वो واقعہ یاد رہے کیا تیر کی تلا میرے سینے میں لگا تو فون اٹھایا تو میں نے کہا جی السلام علیکم کیا حال ہے مزے مزے کر رہے ہیں کون کون उधर वड्डी جی گڈی چ پھر رہی تھی نا میں کیا میں مانی બોر ہوں اچھا کون مانی میں کیا اس غلطی میں ہونی دبئی دی ٹکٹ لے کے آ گئے ਤੁھانوں دسنا کون مانی پر او مانی 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 میں گیا خدا کا خوف کھا اپ کب سے جانتے ہو شاہ صاحب کو کس وقت ملے تھے मुझे लगता है ये पदाइशी रिश्ता है, है। <laughs> कहते हैं, बंदे ग्रेट हैं मिले लेट हैं <laughs> मेरा दरअसल आप थोड़ा सा अगर हम रूहानियत की आपने क्वेश्चन किया तो मैं अनफॉर्चुनेटली साइड ट्रैक हो गया उसको एलेबरेट नहीं कर सका मैंने शाह साहब को जो हमारे मरहूम बड़े शाह साहब उनको मैंने बड़े साल पहले ख्वाब में देखा था ठीक है और इस चीज़ के गवाह अंकल फरूकूख आपको पता ही है और इतफ़ाक था कि बस अल्लाह ताला की उसमें कोई कोई ख़ास महर थी या कोई ऐसी बात थी आई डोंट नो मैं शाह साहब से मिल नहीं सका अच्छा मैंने ढूंढा मैंने सारा कुछ किया क्योंकि देखें रूहानियत वही है एक एक प्यास की तरह है बिल्कुल अगर आप आप ख्वाब में फॉर इंसान आप सो रहे हो ना आप खाली पेट सोगे तो आप खाने देखोगे ठीक है ना प्यासे सोगे तो आप समंदर देखोगे पानी देखोगे तो जो बंदा रूहानियत की तरफ होता है या रूहानी होता है ना उसके अंदर ये चीज़ कहीं ना कहीं से होती है सही। तो मुझे वो था कि मुझे वो कि कोई ऐसी गाइडेंस है या बुजुर्गी की तरफ कोई ना कोई कोई ना कोई टच है उसका जो जमदिल्ला मेरे वालदान की तरफ से मिला मेरी ख़ास तौर पर नाना नानी की तरफ से मिला लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी और बड़ा मैंने कोशिश की पर फरूक अंकल मुझे बताते थे हम मिलते थे आई होप इफ इज़ वॉचिंगकुम फरूक अंकल जी और वो यही है कि शाह साहब का जिक्र मैं कि मुझे मिलाओ मुझे मिलाओ वो कहते जी यार यारो है वो इधर है वो उधर है वो मिलते नहीं किसी नें नहीं करते वो नहीं करते मैं वो तब की बात कर रहा हूँ मेरी शेव नहीं थी आई भी यकीन करो तो उनको था बच्चा है ये जो भी है यू नो लाइक आज कल के इनको क्या पता होता है किसी का अदब क्या करना है एहतराम क्या करना है हाउ एवर मुझे लगता है कि फिर वो अल्लाह ताला ने वही चाह वाली बात थी दिल में थी चीज़

और आई न्यू इट स्ट्रेट वे और मज़े की बात है मुझे नहीं पता था कि ये रजा लिए आपकी कौन है खुदा की कसम आई डिट नॉट नो मुझे ये पता था ये बंदा है बस बस ये बस ये कोई इसमें कोई ऐसी जादू वाली चीज़ है अलहमद स्ट्रेट वे आई वॉज ड्रॉन टू हिम और शाह जी वॉज ड्रॉन टू मी हमारी इस तरह क्लिक करके हम आगे मज़े की बात ये देखें कि मैं मुझे उस रात को नौ साल की उम्र में जब मैं बोर्डिंग स्कूल जा रहा था मेरे माली बाबा थे उन्होंने दो बातें बताई थी और ये बातें जो सुन रहे हैं वो ये बांध लें अपने साथ उन्हें कहा था बेटे दोस्ती उससे करना जिसको घर ला सकते हो क्या यस, बात है, क्या बात क्या है, बात 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 है है है, ये बात, ये बात बात याद रखने वाली है, हाँ। दोस्ती उससे करना जिस जिसको घर ला, ला सकते हो।, हो दूसरी बात उन्होंने की थी बेटे जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं या किसी के हो जो या किसी को अपना काम बना लो और जब मैं शाह साहब से मिला था मैं इनका हो गया था क्या अलहमद ला मुझे इसमें मैंने आई I, I don't even have to think about it twice. Hmm. I knew it. I was I was in love with him straight away. Hmm. क्योंकि देखो रू का रू से कनेक्शन है रू का See. रू से रिश्ता है hmm. जो फिजिकल कोई भी किसी का रिश्ता होता है ना वो रू के सामने बेमायनी है मेरी नजर में क्यों शाह जी यूर राइट तो वो इंस्टेंटली वो कनेक्शन था और साथ तायरा बेटी भी, भी थी हमारी तायरा और मैं थे okay. uh, hmm. दोनों थे ये और वो मैं शो hmm. भी शो फिर वी नेवर लुक बैक हम मिले हैं सन्डे को ट्यूजडे वे शाह शाह जी मैं के घर अलहमदिल्ला सही अच्छा ये अजीब बात है क्योंकि शाह जी मैंने जहाँ तक देखा ना जितने अरसे से देखा आपके पास जो भी आया इंक्लूडिंग भी कोई ना कोई काम कोई ना कोई मकसद से आया ये मेरे ख़्याल से बहुत रेयर लोगों में से एक है मानी भाई कि वैसे ऑफलाइन मतलब कि उससे हट के एक मुलाकात, मुलाकात हुई हुई और बात हुई नहीं मैं बता दू कि ये ये तो नहीं है कि किसी खास मकसद से हाँ। आए थे यानी कि ये मजाक की भी बात है और वो भी है हाँ। इन्होंने एक वहाँ एक टेबल होती थी हमारी गिलास की <laughs> उसके ऊपर इन्होंने स्टिकर लगा रहे थे तो मैं पहुंचा तायरा के साथ तो पहले देखा तो ये इन, इन्होंने मेरे ख्याल से जिया साहब से पूछा हाँ। था कि ये उन्होंने कहा कि शाह साहब की है टेबल ना वो इस्तेमाल करते हैं जफर जामा का प्रोग्राम करते थे हम तो मैंने कहा कि ठीक ये मैं जब गया तो इन्होंने पूछा कि इस्तेमाल कर ले मैंने कहा कि मैंने कहा भाई सवाल आपका गलत है

छोटे से क्यूर से शाहजी आए जींस पहनी हुई पोनी की कहा यार ये ही ही इज इज अ अ अ डूड डूड मैन दैट वाज अमेजिंग डे लेकिन आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा पॉइंट आपने पिक किया कि जब अगेन uh, मुझे शर्मिंदगी होती है बात करते मैंने आज तक शाहजी को ये नहीं कहा शाहजी मेरा ये काम है मेरा वो काम नहीं कभी भी काम अलहमद मैंने कहा शाहजी मुझे बस मुझे लगता है कि आप मेरा वो जरिया है देखो एक छोटी सी बात है अल्लाह पहले बंदे से मिलाता है फिर अल्लाह अपने आप से मिलाता है क्या बात सही जब तक बंदे से नहीं ना मिलोगे अल्लाह से डायरेक्ट कोई नहीं मिल सकता सॉरी टू से अब मैं ऊपर आया हूँ ना ये फर्स्ट फ्लोर है मैं सीढ़ियों के थ्रू आया हूँ कोई ना कोई रेफरेंस आपको चाहिए होता है यू नो बुरतजा मैं तुझे क्या बताऊं कि मुझे क्या या। मिला या। अली मिले तो नबी मिले नबी मिले तो खुदा मिला अल्लाह क्या बात खुदा तक ही पहुंचना है ना बात वही है लेकिन आपको यू नीड द राइट पीपल एंड दिस इज़ द मोस्ट important थिंग जब आपको देखो फॉर इंस्टेंस आप कोई बाजार जाते हो शॉपिंग करते हो आपको कोई चीज़ पसंद आती है स्काफ़ है शर्ट है जीन्स है आपकी नजर पड़ती है आप कहते हो यार मैंने इसको पिक कर लेना जो मर्जी हो जाए आपकी जेब में कम पैसे होते हैं ज्यादा पैसे होते हैं क्योंकि आप अपने जिसम को अपने आप बॉडी को संवारने की कोशिश करते हो बिल्कुल तो यार अपनी रूह को संवारने के लिए जब आपको इस तरह का बंदा मिलता है एफर्ट क्यों नहीं करते हो वाकई बिल्कुल

अब उसको ये नहीं है मानी को कि मैं उसको हेडफोन पहनने दूं या ना पहनने दूं या ये कि कैमरा इसको जो है बेंड कर दूं उसको गलत एंगल से दिखा दूं क्योंकि दिल का रिश्ता है ना जिससे दिल का रिश्ता हो वहाँ नाराजगी नहीं होती क्या बात क्या खूबसूरत बात है जिससे दिल का रिश्ता हो वहाँ नाराजगी नहीं होती ये बड़े रम्स की चीज़ें हैं ये यानी कि बात हो रही है कहते हैं कि शाह जी की बात से मुझे बात याद आ गई कि तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए कोई किस्सा है मोहब्बत जिंदगी का ठीक है ना हमारे लिए हमारी रूह का हिस्सा है मोहब्बत क्या बात है, बात है, क्या क्या बात 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 है, 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 अच्छा मैं वापस, क्योंकि काफी साइड ट्रैक हो गए थे वापस लेके आऊंगा आपको जब आप यूके आए थे अच्छा। क्योंकि बात वहां से रुक गई थी। तू इमिग्रेशन का नहीं क्योंकि अभी तकरीबन डेढ़ दो लोग देख रहे हैं और ज्यादातर लोग क्योंकि They want to know about you. Of yes. course. They want to know about course. you. Yes. Yeah. Why not? तो so, सबको सलाम अलैकुम जो नए नए ज्वाइन किए बाय द वे <laughs> दोबारा कर देना <laughs> दोबारा कर <देने। laughs> है ना मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सबको जो नया नया अभी जिन्होंने ज्वाइन किया मानी लियाकत स्टूडियो इनवाइट में बैठे हुए हैं शहजाद भाई के साथ शाह जी के साथ अब पावे बंद कर दो सही तो स्टार्ट कैसे उस वक्त क्या सोचा पेरेंट्स को बताया फैमिली को बताया कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं हुआ क्या था वो टर्निंग पॉइंट जो है ना जी वो मैं जानना चाह रहा हूँ हम पहले एक आ, अब आई हैव टू थिंक अबाउट दिस इज वेल बर्टन ऑन ट्रेंट एक जगह थी वहाँ पे आए पहले मैं वहाँ पे चला गया था काम किया सोलह साल की उम्र थी मेरी उस टाइम फैक्ट्री में काम शुरू किया मुझे ये था कि बिकॉज मेरे फादर की डेथ हो गई थी एटी में अच्छा और आ, बस कुछ करना है अपने लिए करना अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है हालांकि मैं छोटा था मेरे से बात अरे मैं बात काट रहा हूँ आपकी फादर की डेथ हो गई थी हियड यू स्पीक अबाउट योर फादर वर्ड्स जस्ट यानी कि होता <laughs> है और एक मैं बात बता दूँ कि uh, जितने लोग यहाँ पे यानी कि मुझे और मानी को कम जानते हैं सिस्टर ज़ायरा को ज्यादा जानते हैं हाँ। सिस्टर ज़ायरा जो है ना इनका तोहफा है तो अगर कोई भी बात हो ना तो आप इनको पकड़ना मुझे मत पकड़ना ठीक है ना सिस्टर बेसिकली इनकी यानी कि दरियाफ्त दरियाफ्त और इनका तोहफा है तो अगर वो कोई ज्यादा कुछ बोल रहे तो आप मानी से भी रहा कर सकते हैं ठीक है ना आप मेरे भी से, भी से तो बिल्कुल ही ना कर रहा बिकॉज सिस्टर जहरा को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि सिस्टर जयरा ने एक बड़ी अजीब क्या कहते हैं दुखती रखी हुई है ठक करके बॉबी जी को अच्छा हाँ उन्होंने बड़ा <laughs> सिस्टम उनका बड़ा प्रोफाउंड सिस्टम है बात होती है वो सीधा सीधा वाइफ को अच्छा। और फिर तो उसके बाद तो आपको पता है खैर जो, <laughs> <है, दर्बार laughs> जो भी है लवली पर्सन सिस्टर के, ए, जितना हेल्प वो कर रही है ना इस वक्त हमारे मेंबर्स को यानी नो डाउट नो डाउट एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा सा दो चीजें अगर ऐड करूँ आपकी इजाजत से आपने सिस्टर ज़रा मेरी भाभी भी हैं मेरे दोस्त की वाइफ भी हैं और क्या ख़ूबसूरत इंसान भी हैं और औरकम आपको

तो सिस्टर जहरा जैसे इंसान को माशाल्लाह उसकी वजह यह है कि वो आपने कहा जितना हेल्प कर रहे हैं सारा कुछ कर रहे हैं वो खुदा की कसम सोते हुए भी इसी मूड में जाती है और वो उठती भी इसी मूड में ही है। वो हाँ ये बिल्कुल सही बिल्कुल। बात चुने है। चुने हुए लोग हैं ना कुछ है, ऐसे सेलेक्टेड और मैं एक बात बता दूं कि वो सोती भी है ना हेडफोन्स लगा के हाँ ठीक है <laughs> <उनको होता> है ना उनको वो लाइव चले जाए लाइव ना चले जाए <laughs> <laughs> तो आज सब माफी है ना मैं, मैं, तो तो। मैं, मैं मानी के वो सिस्टर साहरा की तरफ हाँ। पॉइंट करा रहा हूँ पता अच्छा। लगे सिस्टर सारा ने फोन करके मेरे तो तवीज करवा देते लेकिन बैक टू द सब्जेक्ट अबाउट योर लेट फादर Please. मेरे लिए मैं अवॉइड कर रहा था मेरे लिए काफी मुश्किल है इस चीज को डिस्कस करना उसकी वजह ये है कि इट्स समथिंग वेरी नहीं क्या करते थे क्या, क्रिकेट से बहुत क्योंकि क्योंकि मैं एक बात बता दूं आपको इनकी एक डीवी जर्सी है मेरे पास उसके ऊपर एक तरफ तो दरवेश ऑनलाइन है सूफीस पिच वो सूफी गार्डेंस का लोगो है एक तरफ पायनियर का वो है जो इनके वाले साहब की क्रिकेट की कोई बैट्स वो आप सारी चीजें बताओगे बट

अपने वाले साहब की याद को याद रखते हुए एक जर्सी के ऊपर लोगो लगवाए ठीक है, जी, जी, है ना? जी, जी। उसके अंदर क्या हो गया वो जो लोगो है बेसिकली दैट बिकम्स अ ब्लेसिंग बुजुर्गों की ब्लेसिंग और मैं इस चीज को बहुत अच्छी जरा जानता हूँ कि इस तरह की बारीकियां जो है ना आदमी को तेरा देती है किस तरह कामयाब करती है तो मैं इस वजह से वो जर्सी पहनता हूँ एक तो कंफर्टेबल बहुत है बड़ी है एंड द अदर थिंग इज उसके अंदर बुजुर्गों की याद है बुजुर्गों की खुशबू है और जहाँ बुजुर्गों की बात आती है देखो चीज़ ये है कि बुजुर्ग जो है कभी नुकसान नहीं पहुंचाते किसी को क्या बात वो दुआ ही देते हैं क्या बात है ये चीज़ वो एक वो कहते हैं ना दरख्त है तो तनावर दरख्त एक एक साया है जो सारी जिंदगी आपके साथ एक बादल चलता रहता है वाले साहब ने कंपनी बनाई ही वॉज एक्सट्रीमली फनी और वो एक बड़े जॉली इंसान थे बड़े माशाल्लाह जहाँ बैठे हुए हैं वही महफिल उनकी वजह से ही है और उन्हीं की महफिल है सही पहली बात ये सियालकोट से ही थे वो भी मरे कॉलेज पढ़े फिर लाहौर जीसी कॉलेज पढ़े रावियन भी थे फिर क्रिकेट के शदाई थे हमारी पूरी मतलब के फैमिली क्रिकेट की शदाई है फिर वाला साहब ने कंपनी शुरू की लेट सेवेंटीज़ में इसलिए फिर मैंने जिसना शाह साहब ने बात की कि उस लोगों को लगाया और दोबारा सिर्फ और वो थी बस ऐसे ही मैं अपने अबू को मैं चाहता था कि हम माँ बाप के लिए कभी वो नहीं कर सकते जो माँ बाप आपके लिए करते हैं मैं सिर्फ उनका नाम दोबारा अगर मैं ज़िंदा कर सकता हूँ तो मैं करूँ तो मैंने वो किया और उसके बाद ऐसा हुआ कि कंपनी इस्टेब्लिश की यहाँ पर थोड़ी सी खोली और मैंने सिर्फ़ अपने वाला साहब के लिए यकीन करें शौक के लिए थर्टी ईयर्स हो गए थे उनकी बरसी और पाइनियर स्पोर्ट्स और हमारा हमारा जो फ़र्स्ट आप यकीन करें ऑफिशियल अगेन आई डोंट वांट बी पॉलिटिकल हेयर लेकिन जो हमारे जो फर्स्ट कंपनी के मॉडल समझ रहे रिप्रेजेंटेटिव समझ लें वो इमरान खान थे माशाल्लाह एज एज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ पाकिस्तान है अभी तो अगर आप लोग मेरे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जाएं आप देखें तस्वीरें मैंने कुछ शेयर की हैं फिर नाइनटीन एटी फोर में मेरे वाला साहब का माशा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि उनका अपना हेलीकॉप्टर था क्या बात क्या बात है जब तो, तो मैंने मैंने कहा ना कि बिल्कुल, कि बिल्कुल तो अब इमरान खान वसीम अकरम इजाज अहमद इज जस्ट लाइक यू you नो know, माय चाचा वसीम अकरम अभी यहाँ पे आए हुए थे तो फोन आया कि वो खाने पीने के लिए हम फिर चीज़ें लेके गए उनके लिए वो आजकल वेजिटेरियन हो गए हैं तो ये सारा सिलसिला हमारा बचपन से क्रिकेट से रिलेटेड था मेरे बड़े भाई लियाकत वो भी खेले हुए हैं क्रिकेट पाकिस्तान के लिए मैं खुद भी खेला हुआ मेरी हालत देख के तो लगता नहीं है कि मैंने पलवानी के अलावा खेला कुछ टेंस <laughs> खेले हुए थे <laughs> थे हो गया वह लेकिन ही वॉज वेरी हम्बल एंड ही वॉज ऑनली फोर्टी टू वेनी पास और आप यकीन करें कि मैं शाह जी आपको असल वाक्य सुनाता तो हूँ हम एक दफ़ा शो करके फारग हुए लंडन ईलिंग में मेरा शो था और हम जाके एक रेस्टोरेंट में बैठ के चिकन वगैरह का कोई रेस्टोरेंट था ईलिंग ब्रॉडवे पे और हम बातें कर रहे हैं शुगर लगा हुआ है साथ यार दोस्त हैं जुगतें लगी हुई हैं काउंटर के पीछे एक बंदा है इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी है और मुझे देखी जा रहा है देखी जा रहा है देखी जा रहा है शायद टी वगैरह पे देखा हो या जो भी सिस्टम है पांच मिनट गुजरे नहीं शाह मेरे पास आ गया और मुझे कहता है असलामकम भाई बड़ा धीमे मजाज बड़ी प्यार मोहब्बत शफकत के साथ मैंने कहा जी वालेकुम सलाम क्या हाल आपका शाह जी तीन क्वेश्चन किए उसने मुझे कहता भाई आप कहाँ से हो मैंने कहा सियालकोट कहता ठीक है कहता पाइंगर वाले आपके क्या लगते हैं मैंने कहा मैं जी उन्हीं फैमिली से हूं टू थाउजेंड एंड एटीन ठीक है मेरे वालद की डेथ हुई थी एटी नाइन में कहता आप लियाका साहब के बेटे हो क्या बात शाह जी मेरा ऐसे जिसना ठक करके बल्ब का फ्यूज नहीं उड़ता ये फुलका होता है उसमें सुई मारते हो तो ऐसे हवा निक, निकल हवा निकल गई मुझे वो, वो, वो मुझे, मुझे मेरे से अभी भी नहीं बोला जा रहा था आप देखो मेरे गूस बम्स ऐसे निकल आए मेरे साथ भाई भी था पागल हो गए सारे कहते हैं मैंने कहा सॉरी आपको आप कौन है आप, आप मेरे रिश्तेदार कहता है भाई 88 में आपके वालद साहब की कंपनी के लेटर हेड पे मेरा वीज़ा लगा था क्या बात क्या ठीक है मैं पाइन के लिए क्रिकेट खेलता था प्रोफेशनल मैं यहाँ पे आया हूँ इमरान मेरा नाम है आपकी गली में था और आपके वालद साहब ने मेरी वालदा का वजीफ़ा लगाया हुआ था ठीक है और मैं अभी ग्यारहवीं में था कि कितने में कहता मैं नाइनटी में वापस गया हूँ मैं पहले अपने घर नहीं गया मैं आपके घर गया था मिठाई का डब्बा ले मुझे पता लगा कि वाला साहब आपके वाला साहब की डेथ हो गई है कहता आप यकीन करें तीन चार दिन के बाद मैं वापस आ गया मेरा दिल नहीं था कर रहा कि मैं उस कंट्री में दोबारा ठहरूँ और कहता है आज आप आप मुझे मिले हो शाहजी वो मुझे घर लेके गया अपने बीवी बच्चों से मिलाया है और एक ऐसी चीज़ के मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता उसके ड्राइंग रूम में मेरे वाला साहब की फ़ोटो लगी हुई थी इसको कहते, इसको कहते हैं वाँ वाँ। तो मैं इस काबिल नहीं कि मैं अपने बाप के बारे में कोई बात कर सकूं अनफॉर्चुनेटली लेकिन इट्स ए वेरी टची सब्जेक्ट फॉर मी लेकिन अल्लाह ताला मैं समझता हूं कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत इंसान की सबसे बड़ी ताकत जो है उसका अखलाक है ठीक है ना जिसके अंदर अख्लाक नहीं है उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो मुझे लगता है कि मेरे वालद साहब आप मुझे बताओ शहजाद भाई दस अमीर आदमियों के नाम लो जो इस दुनिया से चले गए हैं मुझे जिंदो के याद है अब जो अब मुझे बताओ दस अच्छे लोगों के नाम लो जो दुनिया से चले गए अच्छे तो बहुत से हैं नहीं तो मेरा नाम ले तो यार नहीं वो दुनिया तो से चले गए हैं जो... अच्छा जिन्होंने लोगों के लिए दरवेश भी दुनिया से ही चले जाते हैं भाई इसका मतलब है कि पैसा या दौलत आपको अगर पैसे या दौलत की वजह से जो आपको भाई इज्जत आई है ना वो उतनी देर के लिए ही है जितनी देर तक पैसा और दौलत है लेकिन जो इज्जत आप कमाते हो अपने अख्लाक की वजह से अपने किसी काम की वजह से किसी अमाल की वजह से वो तात है क्यों मेरे, मेरे वाले साहब कहते थे कि खूबियों और खाबियों की वजह से इंसान को याद रखा जाए सुबह नॉट द खूबी या बड़ा नुकता है भाई लिख लो ये ठीक है ना शहजादी लिख मेरे सामने अभी अच्छा Uh, मानी भाई बात फिर uh, वहीं आ गई फादर के बाद जब आप इधर आ गए जब आपने सोचा कि ओबली इतनी जॉब्स की इतनी जगह स्ट्रगल की ये ख्याल कैसे आया कि अपने शौक़ को जो आपको था या उसको रियलाइज़ कैसे किया इस ख़ूबी को इस खूबी को रिय, रियलाइज़ कैसे किया कि इस साइड पे आपको जो है वो परस्यू करना चाहिए करियर को अपने यार अगेन आई थिंक आप uh, I I love love attention. 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 knows this. loves आप जहाँ जाते हो आप मुझे था कि बस मैंने लोगों का दिल जीतना है hmm. मैंने खुश करना है मैंने हंसाना है मैंने ये करना है मैंने वो करना है मेरा कभी मटीरियल की तरफ दिमाग गया ही नहीं पैदाइश ही नहीं गया तो मेरी एक फ्रेंड थी बड़ी अच्छी शाजिया अल्लाह से जिंदगी दे उसको आ, उसने मुझे कहा कि आई यू टू आई यू सिली मैं वाई यू आर ऑलवेज लाइक तुम यहाँ की थी तुम जाते हो जहाँ जाते हो जुते मार के चुप करके आ जाते हो यू नो लाइक तेरा मसला की है मैं, क्या मसला नहीं, करता मैं। कहती नो यू है ना फिर हम मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया हुँ. जो बल्कि उसी ने जबरदस्ती मुझे करवाया मैं कहीं परफॉर्म कर रहा था मेरी सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी सिस्टर ने की हुई है फातिमा ने माशा से जिंदगी दे उसको और मेरी मेरी शायद वालदा ने या बह भाइयों ने इतना नहीं मुझे किया सपोर्ट जितना उसने किया और उसने उसका एक प्रोग्राम था कॉलेज का या उसका कोई था वो मैंने होस्ट किया लोगों ने इंजॉय किया उसकी वीडियो बनी वो वीडियो उसने स्टार टी वी वालों को भेज दी स्टार टी वी वालों उस टाइम पे प्रोग्राम हो रहा था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज यस ठीक है दो हजार नौ दस की बात है अब मज़े की बात है कि वो इंडिया में जो था वो कपिल शर्मा जीता था और यहाँ पे जब वो यू में हुआ तो आई थिंक पंद्रह बीस हजार लोगों ने अप्लाई किया और मैंने मेरी भी उसने टेप भेज दी मैं भी गया ऑडिशन वगैरह की सारा कुछ हुआ और मौला का करम है मेरे के माशाल्लाह यूके वाला फिर मैंने वो विन कर एंड आई वाज द फर्स्ट मुस्लिम पाकिस्तानी टू विन सच ऑबियसली अचीवमेंट थी यार आपके लिए तो बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ फिर एज़ यू सी कि यू नेवर लुक बैक फिर मैंने बड़ी जद्दोजहद की लेकिन शुरू शुरू में था एक अटेंशन मिली शोज मिले पैसे भी मिले सारा कुछ लेकिन किसी जगह पहुंच जाना शाहजी से मैंने ये चीज़ सीखी हुई है कि आप किसी जगह पहुंच जाना आसान है वहाँ मेंटेन अपने आप को रखना उतना ही मुश्किल है बिल्कुल कि, कितने लोग शोज कर रहे हैं कितने लोग यूट्यूब का कर रहे हैं शाहजी रोजाना सोचते हैं कि मैं स्टूडियो को किस तरह बेहतर करूँ बिल्कुल मैंने सबसे बेस्ट माइक यूज़ करना है मैंने सबसे बेस्ट कैमरे यूज करने हैं सारा कुछ यूज करना है इसी तरह आप अपने प्रोफेशन में भी आप इसी तरह ही सोचते हो आप अपने दिमाग को इसी तरह ही एलिवेट करते हो कि आप किस तरह बेहतरी लेके के आओगे फिर उसमें अल्लाह ताला आपको टेस्ट करता है डिफरेंट तरीकों से आपको आपको अपने दुख का अंदाज़ा तब होता है आप अपनी पेन को तब रियलाइज करते हो और जितना मैं समझता हूँ कॉमेडियन के लिए अगर मैं बात करूँ जितना वो डीप है ना उतना ही वो फनी है क्या बात है सही और मतलब कि हवा हवाई फायर करने वाले बड़े आते हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं करते हैं सही पे मैं फादर की एक कोट यूज करूंगा वो कहते थे इल्म वो होता है जो गहरा हो जो ऊपरी इल्म होता है ना सरफेस पे वो इल्म नहीं होता सही। क्या बात है ये बड़े शाह साहब कहते थे बड़े शाह साहब कहते थे दोबारा रिपीट करें इल्म इल्म वो होता है जो गहरा हो Which is deep. ठीक है? जो सरफेस पे होता है ना ऊपर वो इलम नहीं होता वो बस बिल्कुल होता है उगिदी सही है जिस तरह झाग ऊपर होती है और वो हवा के साथ क्या होती है क्या बात है क्या बात है ये पता लगा अब ये ये नेचुरल ये ही रूहानियत है यही कॉमेडी है बिल्कुल सही ठीक है ना अब आप इसी झाग वाले किसी को कितना अलबोरेट करोगे तो फनी कर दोगे मैंने वाकई बिल्कुल यही कॉमेडी है सही अच्छा मानी भाई एक चीज़ जो है ना वो मैं देख रहा था समझने की कोशिश कर रहा हूँ अब आप इसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हो सब कॉन्टीनेंट में कॉमेडी या ह्यूमर जो है वो डिफरेंट स्टाइल का है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियंस देखें या उस तो, आप क्या फ़र्क समझते हैं मतलब एज अ ऑडियंस जो है वो ओबियसली हर कॉमेडियन की और हर प्रोफेशन की हर इंटरटेनमेंट की डिफरेंट ऑडियंस होती है बेषिक बिल्कुल तो आपने जब स्टार्ट किया ऑडियंस के हवाले से और ये इस डिफरेंस में आपको क्या चीज़ मतलब आपने वो एक्सपीरियंस की या आपको क्या चीज़ लगी कि जो ज़्यादा डिफिकल्ट है या जो ज़्यादा चैलेंजिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है और इसका जो कोर है देखो खाना पकना तब है जब आग जलेगी तो इसका मतलब आग होनी चाहिए सबसे ज्यादा जरूरी थैंक यू स्पार्क बी देयर ने फरमाया चीज़ ब्रिटिश ह्यूमर इज वेरी ड्राई थोड़ा ड्राई सार्कास्टिक yes. तंजिया ह्यूमर है जो हमारा पंजाब है ना और ये मैं बिल्कुल भी प्लीज डोंट थिंक मैं किसी आ, को कम शो करके अपने आप को ऊंचा शो करने की कोशिश कर रहा हूँ पंजाबीज आर नेचुरली गिफ्टिड फनी पीपल और उसकी मैं आपको सबसे ज़्यादा मसाल क्या देता हूँ अज खाण की आ, रोटी शोटी की है अब पानी शानी की है अब पानी शानी को वर्ड नहीं है गल शल सुना की हाल शाल है हाल है तो शाल कोई वर्ड नहीं है तो हमारे अंदर ये नेचुरली एक अबिलिटी है हमारे अंदर जिस तरह हम चीज़ें बात करते हैं या हम किस चीज़ को एक्सप्लेन uh, करते हैं एक्सप्लॉयड करते हैं उसमें इतना कलर इतनी जान डाल देते हैं कि वो फ़नी बन जाती है ऑटोमेटिकली hmm. मैंने सिर्फ उस टाइम यही सोचा टू आंसर यू क्वेश्चन सॉरी मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना सही, था पहले ये डिफरेंस टू आंसर योर क्वेश्चन शिजाज भाई वो ये था कि मैं पंजाबी हूँ मैं बेग हूँ मेरी पर्सनैलिटी है और मैंने इससे इसी चीज़ को मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है मैंने इसको इससे पीछे नहीं हट सकता अब मैं अपने आप को पतला तो शो नहीं कर सकता ना मैं हूँ मेरी पर्सनैलिटी जब इतनी बड़ी है तो मैं उसको कैसे तो मैंने यही देखा कि मैंने लोगों से पूछा फीडबैक ली शाहजी जैसे लोगों के पास बैठा इनसे मैंने जिसे आप कहते हो ना कि आप आप जिस तरह इंटरनेट का कनेक्शन होता है आप घर में जैसे ही आते हो ऑन हो जाता है जो इंसान सीखने वाला होता है ना वो जब इस तरह के किसी भी बंदे के साथ बैठता है ना उसका वाईफाई ऑन हो जाता है कि अब मैंने इसे चीज़ लेनी है सीखता है ना जो बंदा वो आगे जाता है बिल्कुल फिर आप फीडबैक लेते हो आप क्रिटिसिज्म लेते हो फिर मैंने कहा यार मैं पंजाबी हूँ मैंने अपनी पंजाबी पंजाबीनसी बेचनी है मैंने अपना कल्चर ही बेचना है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया है मौला का करम है कि बस हाथ पकड़ लिया गया और वही चीज़ मैं आगे लेके जा रहा हूँ क्योंकि अब पहले ऐसा होता था कि मैंने इंग्लिश ऑडियंस को भी परफॉर्म किया है उर्दू का भी किया है पंजाबी का भी किया है मैं क्या सोचूंगा मैं क्या करूंगा अब न डरू सही अब आठ दस बंदे बैठे हैं बीच में से दो हंस रहे हैं ना मैं दो को हंसा रहा हूं मुझे आठ की परवाह नहीं है बिल्कुल उन पेना एनर्जी क्यों जाया करूं जो दो एंजॉय कर रहे हैं उन पे करनी चाहिए जो ऑलरेडी जो ऑलरेडी बेसिकली जिनको आपने बेसिकली हंसा दिया है जिनके ऊपर आप बेसिकली काबज हो गए हो जी उनकी बात हो रही है बिल्कुल ये रूहानियत का एक बड़ा ये कानून है कि जिसको आप बेसिकली एक को अपने पास कर लो ना तो फिर उसी के ऊपर वर्क करते हैं कि वो एक्सेल होता है फिर वो किसी के हो जाओ या आ, किसी को कि कर अपना कैरना वो, वो एक्सेल होते हैं खुद ब खुद होते हैं वो बड़ी अजीब चीज़ है ये सही तो ये इसलिए मैंने बात की थी कि शाह साहब मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की कि ही अंडरस्टेंड्स कि ये जो टाइमिंग और सारा कुछ है ना कॉमेडी भी यही है ये रूहानियत का एक हिस्सा है एक्सटेंडेड अब आप उसको कई लोग अब अनफॉर्चुनेटली रूहानियत में भी तो कितना मतलब के वो गंद गोल रहे हैं ना आजकल गोल, <laughs> गोल, गोल चुप है, है।, <laughs> है, है, exactly. है तो तो इसीलिए कॉमेडी में भी, कही, गंदी भी, कही भी कहीं गंदी कॉमेडी भी हो रही है कहीं अच्छी कॉमेडी भी हो रही है कहीं सेंस ऑफ ह्यूमर को इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों की मदद की जा रही है आपका आठ दस घंटे का आप काम करते हो शिफ्ट करते हो घर आके मैं समझता हूँ आप थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई एंटरटेनमेंट देखते हो ना आपकी सारी थकन दूर हो जाती है ये सिर्फ एक आर्टिस्ट के पास अल्लाह ने एक हुनर दिया एक है बिल्कुल इनके पास एक टैलेंट है इसको ये आगे लेके जा रहे है और इसको ये खूबसूरती से लेके जा रहे हैं ओके वो ये नहीं कि हुक्का लाया था धोती पाई थी तो बैठे थे नाल खुरक हो रही हां भी दस की प्रॉब्लम बिल्कुल

जनाजों में भी, भी जनाजों में बड़ी बल्कि एक 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 तो मैं मुर्दे दूते सी ना लग <laughs> अच्छा अब ये जिस तरह से आप बात कर रहे हो ये एक हेल्दी कॉमेडी हो रही है गपशप हो रही है मजा आ रहा है ठीक ये कॉमेडी अब अगर देखें आप पुराने टाइम पर लेके जाए स्टैंड अप कॉमेडी पंजाब की जैसे आपने बात की अमानुल्ला साहब होते थे बब्बू बराल साहब होते थे Uh, ड्रामेज़ की तरफ ले आए आंगन टेढ़ा या फिफ्टी फिफ्टी वो टाइम जो था ठीक और अब देखें तो आपको क्या लगता है कि ज़माने के साथ कॉमेडी चेंज हुई है या ऑडियंस चेंज हुई है चेंज क्या क्या आया आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉमेडी वैसी है लोग भी वैसे टाइम चेंज हो गया वो जब आंगन टेढ़ा वाला टाइम था ना तो वो जब आंगन टेढ़ा लगता था या फिफ्टी फिफ्टी लगता था ना तो लोग पता क्या करते थे लोग सारा एक अगर छोटा सा कुंबा है एक छोटी सी फैमिली है या छोटा सा एक घर है या हमसाया है, एक बंदे के पास टीवी है उन्हें पहले टीवी ने चपेड़ा मारियां ठा ऑन ही नहीं हो रहा ऑन ही नहीं हो रहा इस तरह ना पेटी वाला टीवी होता था फिर शहजाद जैसा बेचारा लड़का मंजिल पे याराटीना लेके चल रहा हूँ फिर साथ ही बेचारा वो लगा हुआ तो उतनी देर में ऊपर से को का आया कबूतर आया शहजाद

हजारों पाउंड दे रहे हैं ठीक hmm. है और किस चक्कर में दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि नॉट एवरी थिंग इज फॉर एवरीबडी बट दैट डज ए मीन कि एवरीबडी शुडन हैव एनी थिंग नहीं शाह so, जी हर चीज का कोई ना कोई कस्टमर है हर चीज का कोई ना कोई हल है hmm. मेरी जो इंस्परेशन आई थी मैंने बल्कि अलहमद मैं जरूर मैंशन करूंगा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वासे भाई भी उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था वासे चौधरी ने मजाक रात पे अलहमद ला बड़ा अच्छा प्रोग्राम गया और बड़ी अच्छी फीडबैक मिली मज़ाक रात पे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था मैंने कहा था कि यार मेरा मैं पाँच छः साल का हूँगा मैं एक शादी पे थे बल्कि एज अहमद क्रिकेटर की शादी थी कि वलीमा था <coughs> वहाँ पे मेरी इंस्पिरेशन जो मुझे मिली थी वो ये थी कि वहाँ पे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जिसको आज हम इतना जिक्र अनफॉर्चुनेटली नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान में मुझे लगता है लेजेंड वो बनता है जो मर जाता है जिंदा बंदे की कोई कदर नहीं है अनफॉर्चुनेटली मीडिया के हवाले से दिलदार परवेज़ भट्टी साहब सही मुझे पता नहीं आपने लोगों ने सुनाया नहीं। नहीं सुना है कि नहीं उनको सुना पंजाबी नहीं नहीं। के प्रोफेसर भी थे और उनको सुनो वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे बहुत ज़बरदस्त बड़े लेवल के इंग्लिश उर्दू पंजाबी बल्कि इमरान ख़ान साहब का जब हॉस्पिटल्स का भी मसला चंदे वगैरह का था उन्होंने बड़ी हेल्प की हुई है बड़े शोज़ किए हैं उनका वो एक टी वी भी शोज़ आते थे उनके अपने तो उनको मैंने देखा मैंने देखा एक बंदा है गंगरेले से बाल है सूट लगाया हुआ है स्मार्ट है रेडी है और वो मुझे सिगार भी मुझे लगता है पीते थे क्योंकि मैंने देखा मैं मुझे इमेज याद है नूर जहाँ मैडम नूर जहाँ भी परफॉर्म कर बात बात है मैडम की कितनी एग्जैक्टली exactly. ही रहा। तो वो हसाई जा रहा है और मैंने शहजाद एज ए बच्चा मैं बात कर रहा हूँ वो इमेज फोटोग्राफिक मेमोरी अलहमदल मेरी अभी भी मेरे सर में मेरे दिमाग में है कि मैंने कहा मैंने ये काम करना है ये बोल रहा है लोग खुश हो रहे हैं तो वो सीकिंग वहीं से आ गई ख्वाहिश चाहत सही जिस चीज़ की चाह होती है इंसान को वो मिल जाती है तो वहीं से फिर सिलसिला शुरू हुआ और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म का कंपैरिजन इंसान को करना चाहिए इस चीज़ में लेकिन जो अच्छी कॉमेडी है थिएटर की कॉमेडी है इमानुल्ला साहब की आपने बात की बबू बराल ने बात आपने बात की ये लोग हॉली कमीडियंस नहीं हैं स्पेशली इमानुल्ला साहब तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे ही वॉज़ एन यस बिल्कुल उनकी बातों को बेच बेच के लोगों ने पैसे कमाए हैं बिल्कुल ऐसा ही है ही वॉज एन इन्वेंटर बब्बू बराल साहब ही वॉज अ यूनिवर्सिटी बिल्कुल और पंजाबी यूनिवर्सिटी ही वॉज अ <laughs> यूनिवर्सिटी क्योंकि लोगों ने उनसे सीखा है उनकी बातों को आज रिपीट किया जा <coughs> रिपीट किया जा रहा है जिस तरह शाह जी हैं जिन्होंने इन्होंने अपने वाला साहब से जो चीज़ सीखी है या इनको दी गई है ये ये इस चीज को आगे फैला रहे हैं लेकिन क्या है ये उनकी बात को रिपीट नहीं कर रहे हैं वर्ड टू वर्ड जो शाह जी ने किया इसमें अपना स्टाइल ऐड कर दिया बिल्कुल एक स्टेप आगे लेके आगे लेके जा ले रहे। ले जा आगे आपका भला करे भाई यही आपके क्वेश्चन का आंसर सही अच्छा एक चीज जो है <coughs> अब जैसे आपने बात की आप जब स्टार्ट किया आपने अपना करियर जब आप आगे जा रहे थे हर किसी फील्ड की एक अपनी ही स्ट्रगल होती है और हर इंसान की एक अपनी स्ट्रगल होती है अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात है लेकिन कर देते हैं नेपोटिज्म या जिसे कहते हैं कि आपके अगर लिंक्स हैं तो आप ज़्यादा आगे जा सकते हो इस इंडस्ट्री में बजाते हैं उनके कि जिनके पास टैलेंट है आप क्या समझते हो कि हाँ जब नेपोटिज़म का मैं बता दूँ एक चीज़ के ये बड़ा एक टॉपिक भी निकलता है स्पिरिचुअलिटी में ना जी

ठग ठग बनारसी बनारसी लेकिन अगर आपके खून के अंदर रूहानियत दौड़ रही है तो फिर जाके आप किसी मकाम पर तो इकबाल वाली जो पहले कह रहे थे के, ए, आप लोग बात करो एक जी हाँ जी सर तो अभी कितने लोग देख रहे हैं मुझे बताओ तकरीबन तेईस सौ लोग मुझे वो दिन याद है शाहजी ने ऑन किया था और तीन लोग देख लेकिन कहने का मकसद ये कि द रीजन आम के वो टाइम आता है आपके ऊपर जब सिर्फ तीन लोग आपको देख रहे होते हैं बिल्कुल ठीक है लेकिन अब वो टाइम है कि माशाल्लाह तीन हजार के करीब लोग देख रहे हैं रिमेंबर वन थिंग शहजाद इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू यू विल ऑलवेज बी इन डिमांड क्यों शाह जी इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू यू विल ऑलवेज बी इन डिमांड लेकिन नेपोटिज्म डेफिनेटली फेवरेटिज्म नेपोटिज्म, रेसिज्म ये जितने भी इजम्स है ना ये एग्जिस्ट करते हैं <laughs> ये, ये इजम इजम्स से निकलता है क्या बात है ये इसन से निकलता है बिल्कुल इसका तो क्लिप बना के लगा दो फैला दो इसको वाकई एक तो आपके जो एडमिन है ना पुठे से क्लिप निकालते रहते हैं तो आज तोडी मैं ना ना कटे मेरे क्लिप तुसी ठीक <laughs> तो डेफिनेटली मेरे लिए ये ट्वाइस हार्ड था <laughs> क्योंकि मैं खानदानी नहीं हूँ मैं हादसाती हूँ कमेडियन बिल्कुल लेकिन माशा पाक का करम है वही जिसको कहते हैं ना कि तो इज्जत तो और तो मेरी जान अल्लाह के हाथ में है जिनको अल्लाह ताला इस तरह का टैलेंट देता है मुझे लगता है उनको अल्लाह ताला फिर उस तरह का हौसला भी दे देता है क्या बात है क्या बात है है ना मैं मतलब के उस जो चिड़ी होती है ना फॉर इंस्टेंस मैंने लास्ट टाइम एक दफा एक बात कही थी शाहजी के साथ ही बैठ के कि जो कुत्ता होता है ना कुत्ता या कुत्तिया वो आठ दस बच्चे इकट्ठे दे देती है बेचारी यू नो दे you know, वो, वो से लॉकडाउन सारी जिंदगी चलता रहता <laughs> <सकनी। laughs> और जो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी इसको एडिट कर देंगे हम जो कुत्ता है ना उसके बच्चे पलते हैं शेर है ना उसके बच्चे पालने पड़ते हैं क्या बात no. है क्या बात है यस yes. क्या बात है बिल्कुल तो बस यही फर्क करना है कि आपने कुत्ते का बच्चा बनना है कि शेर का बच्चा <laughs> बनना है और, और इसी बात पे इसी बात पे मैं साईं जी की बात रिपीट करूंगा कि हमारे घर में जब खाने को नहीं था तो साईं जी अब्बा के खाब में आए थे कि तेरे बच्चों का अब हमारी जिम्मेदारी पालने, पालने वाले वो है पालने वाले क्या बात ये बात है ना फिर मेरी वो कहीं ना कहीं से रूहानियत की तरफ ना देखो मैं आपको कोई बात करूंगा ना लिंक वहां पे निकलेगा क्योंकि आज हम उस तरह की महफिल में है कि जहाँ पे एनर्जी फ्लो हो रही है ये सारा मेरी जान एनर्जी बेस्ड है हर चीज एनर्जी, एनर्जी बेस्ड बेस है।, है आपकी जब आपकी बॉडी जब जान दे देती है सारा रू रूह निकल जाती है तो टक बंद किता सारा कुछ खत्म हो गया बिल्कुल ठीक है ना अगर ये दुनिया मौला फरमाते हैं इतनी ही खूबसूरत होती इतनी ही सीन होती तो जब आप पैदा होते हो आप रोते ना वाकई जब आप पैदा होते हो आप रो रहे होते हो सारे खुश होते जब आप मरते हो आप खुश हो लेकिन बाकी सारे रो रहे हैं बिल्कुल बड़ा डिफरेंट सा बड़ा अजीब सा अच्छा मेरी आपसे बात ये, टेकरा। वाएफ। वाएफ। ये, ये, है ये। आ, एक मिनट कौन कि, को, किसकी वाइफ क्या हेलो <laughs> बोलो जी जीकुमानी भाई वालेकुम अस्सलाम

आपने फोन किया था हाँ जी 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 हम, हम आधी नींद में घूम रहे थे उस वक्त तो फिर घर में बैठना था ना आपको आपका नाम तो बहुत दूर की बात है आ, खुदा की बंदी हागनडास खा खा के तुमने मात मारी हुई थी अपनी शुगर लेवल इतना मेरे साथ ना इस तरह की बातें करें प्लीज आप मुझे पता है मैं इची बिची वाकफकार हूँ इस ईट ईट राइट की है ईट राइट नो लाइफ सारी कहानियां ले अभी बहुत अच्छा आपके पास मौका है निकाल ले एवरी डॉग है <laughs> ठीक है आपने मेरे साथ बैठना है शो पे फिर हम निकालेंगे सारी पुरानी निकाले, फिर तो हम दोनो भै, दोनों दोनों बहने हो जाएंगी ना नहीं, नहीं, नहीं? आज मैं भाई हूँ <laughs> फिर हम दोनों बहने आपस में बातें करेंगी मैंने उस दिन लिपस्टिक लगा के ना फिर मैंने ऐसे करके मैंने दुपट्टा ले लेना लाइक वाइज मेरी आप बताए बच्चे कैसे है दो ही है ना

पास कर अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिया है और भी कुछ न्यूज है लेकिन वो जब बाद में बताएंगे कुछ चीजें बहुत सारी चीजें हैं वो बिग गर्ल से रिलेटेड है माशाल्लाह तो ये चीज़ है चलो ठीक है अभिषेक लेकिन अपना ख्याल रखें और भाभी वी विल डू टुगेदर इंशाल्लाह ओके मानी थैंक यू बच्चों को प्यार दीजिएगा

आग पैदा करनी चाहिए इंसान को हाँ। आग पैदा कर ये एक बात मैं बता दूं मानी कि ये तो एक ऑडियो कॉल थी अगर वीडियो कॉल हो दैट कैन बी थ्रोन ऑन द स्क्रीन विद इन फाइव सेकेंड वाकई जूम हो विद इन टेन सेकेंड लॉग इन करना पड़ता है वो उसका कोड आता है जूम का अच्छा। तो ये चीज है एनी फ्रॉम एनी कैन बी यानी कि अब्जॉर्बशन है स्टूडियो के अंदर वी कैन अब्सॉर्व इट क्या बात है यानी कि उसको लाइव भेज सकते हैं एंड दी अदर थिंग इज एनी मेन स्ट्रीम चैनल अबाउट बिग चैनल इफ दे वॉन्ट टू पिक अप्रीम आर सर्वर्स आर रेडी फॉर माशा नजर आ रहे हैं यानी कि वो ठक करके विद इन hmm. है 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 बेटी जवान होगी बस रिश्ते रिश्ते की तलाश, में। की तलाश <laughs> है, वो ये चीज़ है। तो रिश्ता तो आए, आए आए हुए हैं बहुत है। है, right, राइट और अभी भी राइट नहीं है अभी काम अभी आपके सामने रात को दोबारा होगा और आज पॉडकास्ट भी है हमारी इसमें शाह सबसे अच्छी बात पता क्या होती है कि मैं आपको इंसान को मुझे लगता है अगर मैं अपने हवाले से बात करूं कि मैं कभी भी आ, मैंने मैं हमेशा ग्रेटफुल होता हूं ठीक है ना हर चीज़ के लिए थैंक यू शाहजी अल्हम्दुलिल्लाह ला पाक का आपको हर हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए लेकिन आई थिंक जो आर्टिस्ट होता है ना वो कभी भी ट्रूली सेटिस्फाई नहीं हो सकता अपने काम से नबर क्योंकि जिस दिन आप सेटिस्फाई हो गए ना आप समझो कि आपने अपने लिए या अपने काम के लिए एक तरह का

इसमें मैं ऐड करूंगा आपने बड़ी अच्छी बात की इस टॉपिक के हवाले से पहली बात है कि आई फील एंड आई बिलीव और मैं अपने सुनने चाहने वालों से भी बात हमेशा जहां मौका मिलता करता हूं फील कि यू आर द बेस्ट बट यू आर नॉट बेटर देन एनी बडी एल्स क्योंकि जब आप ये सोचने लगते हो कि आई एम बेटर देन यू इसका मतलब है कि मैं आपको जज कर रहा हूं या अपने आप शायद आप मेरे से कम हो लेकिन मैं अपना अब मेरा इतना जर्फ नहीं है सोचने का मैं आपके लेवल पे आके आपको मार रहा हूं क्या पता आपका लेवल नीचे ही हो ऊपर ना हो वो कहते ना मैं मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया कि मानी भाई आपने एजुकेशन कम हासिल की है मैं यार क्या करता है मेरे टीचर ही नलायक थे वाकई बेचारी चुप कर गई टीवी पे बैठी हुई थी कहती क्या बंद नलायक थे मैं नहीं पढ़ा सके Okay. <laughs> सही बात है मैं तो रोज़ाना स्कूल जाता था पढ़ने के लिए वो नहीं पढ़ा सके तो कहने का मकसद होता है कि इंसान शाहजी ने इस बात की कि इनोवेशन की जहाँ तक बात है ना एक्टर्स बहुत हैं फिल्में बहुत हैं लेकिन मुझे लगता है दिलीप कुमार एक ही है क्या बात बिल्कुल क्या बात है दिलीप कुमार जी फरमाते थे अभी अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे दिल दिलीप कुमार जी कहते थे कि हम खिलौने बेचते हैं जो तीन रुपए वाला खिलौना है ना उसको रुपए में ना बेचो Hmm. जब तक तीन वाला गाक नहीं आता उसको ना बेचो तो दैट मीन इट्स अबाउट क्वालिटी नॉट अबाउट बिल्कुल क्या भिल्कुर। बहुत बड़ी बात की है। भाँगे। उन्होंने भाँगे। पचास साल के करियर में सिर्फ पैंतालीस फिल्में की हैं hmm. लेकिन वो ऐसी फिल्में हैं कि लोगों को बाय हार्ट रटी हुई हैं वाकई कि यार इन्होंने ये ये फिल्म की हुई है तो इट्स अबाउट यू नीड टू अंडरस्टैंड के आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए

कि वो मेरे बारे में hmm. yes. yes. yeah. कामयाबी yes. hmm. तो लो hmm. नहीं खरीदना तो अगली दुकान चला जाओ जाली ले लो जाके yes. बिल्कुल लेकिन मैं तुम hmm. वैसे अपनी रेसिपी नहीं चेंज नहीं मैं ये भी कहता हूँ कि लाजमी नहीं है कि हर एक जाली है असली भी है मार्केट में लेकिन इस चूरन चटनी को जो चक ले वो, वो कहीं और की हजम नहीं हाँ तो हाँ हाँ जरा ये, चट्रुन ये वाकई तो है, ये बाकी दिल्गी है। दिल्गी ये, दिल्गी मैं आपकी है। आपके लिए एक शेर मैं अर्ज करूं शाहजी के लिए शेर है आओ मिलके कायनात बांटे आओ मिलके कायनात बांटे तुम हमारे बाकी सब कुछ तुम्हारा क्या जबरदस्त कहते हैं कि बस वो किसी को होना या किसी का हो जाना ही है और बात तीसरी है कोई नहीं है आप मुझे बताओ तीसरा कोई तरीका है नहीं यू you नो know? बिल्कुल नहीं बस बिल्कुल, यही है जिन लामा इकबाल का बड़ी दफा जिक्र हुआ इस चीज में लामा इकबाल का एक शेर है फरमाते हैं कि दिल अगर साफ ना हो तो हो सकता नहीं दिल अगर साफ ना हो तो हो सकता नहीं वरना एबलीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत क्या बात है क्या बात है बिल्कुल क्या बात है तो इसका मतलब है कि सारा रिलेशनशिप ही दिल का चक्कर है भाई वाकई दिमाग का नहीं है ये दुनिया दिल वालों के लिए है दिमाग वालों के लिए नहीं है <coughs> आपने कितना जहां मर्जी पहुंच जाओ आप फॉर इंस्टेंस अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कोई बंदा यहां पे खारिज नहीं कर सकता अगर अल्लाह ताला फिर कितने बेबस हो तुम कितने इनसिग्निफिकेंट हो तुम एज किसी, किसी से करवा सकता है हाँ। अगर खुद नहीं कर पूछ <laughs> touch, ए, मेरा दिल हम, 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 हम कर रहा है मुझे आके खारिज करे भी पहन दी अच्छा बात चल रही थी डीएम एम की यार कोई आग ना लगाई जाए थोड़ी सी इजाजत इजाजत आपको ये देख लो लाइव हो रहा है ये <laughs> ये ये मैं मैं बात बता दूं कि ये जगह इनकी है मैं लोगों को यही कहता हूं ये जगह आप लोगों की है मेरी नहीं है आई एम जस्ट ऑपरेटर ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि ये किस्सा है और ये किस्सा है तो सुना दें नहीं नहीं। सुनाने लगा।, <laughs> लगा मैं बस मेरे वाला साहब भी अल्लाह बख्शे पीते थे लेकिन आज मेरी ख्वाहिश थी कि मैं शाहजी के साथ बैठ के इस तरह सिगार पीऊँ प्रोग्राम पे नहीं। और जब जगह अपनी है तो फिर बल्ले बल्ले <laughs> किसी से क्या डरना तो इसको थोड़ा वार्म अप करते हैं ये एक बड़ा मज़े का सिगार है और खिड़की की तो खुली हुई है ना वो तो दो 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 मैटर अपनी जगह है तो सोचना क्या है वाकई फिर अपनी जगह नहीं बिल्कुल लेकिन हर बंदे को इस चीज की इजाजत नहीं मिल सकती सॉरी ये भी बता प्लीज <laughs> ये ये पर्क्स जो है सिर्फ नदीम भाई और आपको है। आ, क्योंकि, क्योंकि नदीम भाई ही समझ लो आपको डीएम बिल्कुल, बिल्कुल, नदीम भाई के थ्रू मुलाकात हुई थी डीएम पे आप कब कैसे स्टार्ट हुए डीएम पे आपकी वाबस्तगी कैसे हुई यार डीएम पे बड़े सालों से था पहले जी तो थोड़ा लेट आए डीएम पे आ, लेकिन मतलब कि एज ए प्रोग्राम वाइज डी एम पे लेट आए हैं वरना शाह साहब तो ज़रा डॉक्टर साहब को हमेशा से जानते हैं एंड डॉब इज़ारिंग वॉचिंग डॉक्टर साहब हमारे बड़े महसिन हैं डॉक्टर साहिबा एज वेल मलिक hmm. मिसिज मलिक भी हैं वो भी माशा बड़ा प्यार करती हैं वो सियालकोट से हैं वैसे भी नदीम मलिक तो हमारी डार्लिंग है hmm. नदीम मलिक का मैंने नाम पता क्या रखा है मैं क्या नदीम मैं कह नदीम, नदीम भाई आप आप मशहूक टाइप है मैं कह नदीम भाई आजकल कल पता है क्या होता है लोगों ने ना जिसना ई बे वगैरह पे कोई सामान खरीदना कोई चीज़ खरीदनी हो तो फोटो आपकी लगी होती है और बंदा फिर मेरे जैसा चला जाता तो है मैंने कहा आजकल वही हो रहा है कि माशा कि अल्लाह तला ने आपको बड़ा खुश अखलाक और खुश शक्ल बनाया है मेरी बड़ी से दोस्ती पुरानी तो फिर मैं 2008-9 से बल्कि लास्ट वीक समीना जी आई हुई थी समी खान और मैंने और समीना ने प्रोग्राम्स किए डिफरेंट प्रोग्राम किए यूट्यूब पे बल्कि हैं वो कंट्रोल रूम के नाम से ठीक वो किया फिर मैंने एक और प्रोग्राम किया टू टू इडियट्स ठीक बड़े मज़े का प्रोग्राम था वो उसमें मैं कैरक्टर बन के आता था, था बाची बकीजा का

और फिर मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि हर शो पे मैं उनका कोई ना कोई दुपट्टा ले जाता तो फिर वो अलहमदुल्ला वहां से सिलसिला चला और अपना शोज वगैरह का सिलसिला था फिर <laughs> <या। laughs> <laughs> <laughs> दे। <laughs> मैं देर वॉज अ टाइम दैट अलहमद थिएटर कर रहा था रेडियो कर रहा था होस्टिंग कर रहा था टीवी पे उसके अलावा जो मेरे शोज थे अलहमदल्ला अभी भी है ये सिर्फ अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ें रुक गई हैं बाकी माशाल्लाह आई बीन वेरी बिजी इस साल भी मैं दुबई हो के आया हूँ मैंने माशाल्लाह वहाँ पे पीसा अवार्ड्स होस्ट किए थे पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री उधर थी और वो वो सारा सिस्टम मैं एक जरा बाहर ठीक कर लूँ सारा सिस्टम मैं जब वहाँ पे करके आया वापस आया तो ये लॉकडाउन का सिस्टम शुरू हो गया तो वो आ, जो लॉकडाउन की वजह से फिर ज़ाहिर है कोई वेन्यूज नहीं खुले हुए बल्कि मेरा जो शो था फिफ्टीन मार्च मार्च को था वो आखिरी शो था अच्छा। उसके बाद यूके का लॉकडाउन शुरू हो गया था जी लेकिन अब इन शह जैसी चीज़ें बेहतर होती हैं कुछ बेहतर होता है तो मैं ज़रूर दोबारा चाहूँगा मैं रिटायर हर्टू हूँ रिटायर्ड नहीं अभी हुआ ठीक, <laughs> ठीक। नहीं रिटायर नहीं हुआ माशा तो स्टार्टिंग ऑफ आर्टिस्ट ऑलवेज स्टार्ट्स द डे ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल, exactly. बिल्कुल ये चीज बात है सही अच्छा डीएम के बाद फिर जैसे आप बता रहे हो अभी लॉकडाउन लॉकडाउन के बाद अब आगे क्या इरादा है आपका आगे क्योंकि यूट्यूब चैनल भी है आपका हाँ जी उसका नाम है मानी टॉक्स तो सारे प्लीज़ उसको भी क्या कहती है लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसी ना सब्सक्राइब ऐसे, ऐसे आप कहा कहा सकते। दुरानी, दुरानी को कहना चाहिए दुरानी क्या दुरानी को किस दुरानी दुरानी तरह नहीं खूबसूरत आवाज है कि नहीं देख रहा ये पहुंच जाएगा ये पहुंच जाएगा नहीं 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 मतलब माफ कर दो माफ कर दो नहीं दुरानी वही बस वही है मानी टॉक्स उसका नाम है प्लीज़ देखें उसमें कई वीडियोस भी हैं अमशोर के कई लोग इसमें ऐसे होंगे जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपके आपके चैनल के थ्रू ही लेकिन ये कि उसको आप लोग जाके अगर देखेंगे उसमें कई वीडियोज़ हैं मजाक जो हुआ था स्पेशली वो ज़रूर देखिएगा और इनशाला आप लोग इन्जॉय करेंगे देखो शिजाद भाई अल्लाह अल्लाह का करम है शाह साहब की दुआएँ हैं माँ बाप की दुआएँ हैं मेरे अच्छे यार दोस्त हैं बहन भाई हैं सारे केयर करते हैं दुआएं देते हैं वो बेहतर चाहते हैं अच्छा चाहते हैं मेरे लिए भी तो जैसे इंशाल्लाह हालात ठीक होते हैं बेहतर होते हैं तो वाई नॉट लाइक आई वेल बी बैक ऑन इट ठीक हाँ जी बाकी मैंने प्राइवेट शोज भी इन बिटवीन किए हैं लेकिन अभी कोई मेजर इवेंट नहीं हो रहा ड्यू टू द कोविड रिस्ट्रिक्शंस हाँ जी सही अच्छा इससे पहले एक बात हो रही थी शाहरुख खान साहब के बारे में और डिफरेंट एक्टर्स के बारे में आप जिस फील्ड में हो जिस तरह से आप चलते गए बहुत से बड़े लोगों से भी मिले जी शाहरुख खान साहब से भी हाल ही मिला नहीं माशाल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि शाहरुख खान के साथ शाहरुख खान जी के साथ मैंने शो भी किया सही। और एक आध जो उनके साथ हुई हुई हैं और वो एक बड़ा आ, मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात थी कि इन लोगों ने मुझे चूज़ किया कि आपने होस्ट करना है उनके साथ क्योंकि ही इज वेरी डायनामिक वेरी ऑफ बॉलीवुड नो डाउट और वो बेसिकली मैं समझता हूँ बॉलीवुड की सूफी गाइडेंस है क्या बात <laughs> <laughs> <आप> है <laughs> है यार इतना ऐसा नहीं है। ले, लेकिन, लेकिन लेकिन एक मैं बात बता दू मानी कि अभी आप बेसिकली मैनचेस्टर में जहाँ बैठे हो ठीक है ना जनवरी से लेकर अब तक जो है जो यानी कि ये स्टूडियो बन गया ये वो ये मैं बता दूं दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट चैनल फ्रॉम मैनचेस्टर माशाल्लाह जो है क्या कहते हैं डंके की चोट पे और डंके की चोट पे मैंने तो ठोक ठोक के बता बता के है कि दिस इज द फर्स्ट बिकॉज रूहानियत वो यानी कि वो होल्ड ही नहीं करती कि जो ठोक के ठोके सामने निडर होके की जाए क्योंकि डरता वो है जो करता है। बिल्कुल दूसरी बात यह कि शाह साहब जो रूहानियत का भी आपने जिक्र किया ना रूहानियत प्रोटेक्ट करती है आपको हर चीज से तीसरा एक यू नो ओजोन लेयर है जो कई ए, सूरज की कई ऐसी किरणें जो हमारे लिए नुकसानदेह है जी। हम पे नहीं पड़नी चाहिए या इस धरती माँ पे नहीं पड़नी चाहिए ओजोन लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है रूहानियत इवल अटैक करता है रूहानियत तो प्रोटेक्शन है ना प्रोटेक्शन आपका डिफेंस है वो सबसे खूबसूरत डिफेंस है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो एनी थिंग रूहानियत रिलेटेड है ना आपको फिर यू गॉट नथिंग टू वरी अबाउट फिर आपका अल्लाह जाने और आप जाने बिल्कुल दैट्स इट तीसरी चीज़ आपको क्या है वही बंदा जो आपको अल्लाह के पास लेके गया ओके तो ये शाहरुख खान से साहब की वजह की मैं बात अगर करूँ मुझे बचपन में आई वॉज वेरी क्लियर और हमारे घर का एक ऐसा माहौल भी था या अगेन uh, मेरी माली बाबा जो थे uh, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे अल्लाह देता उनका नाम था वो हमेशा रहनुमाई की बात करते थे और वो कहते थे बेटा जिन्होंने अल्लाह इज्जत देंदा ना उदी इज़्ज़त करो क्या बात यह yeah, क्या बात बात है बिल्कुल सही बात और ये जो मेरे अंदर ये शायद थोड़ी सी विजडम या थोड़ी सी अगर मैं बिल्कुल पॉइंट नॉट के बराबर भी जो भी है ये उन्हीं से सीखा हुआ है लेकिन सीखने वाला था मैं मुझे शुरू से शौक़ था तो अपने अंदर सब मैं सुनने वालों को यही कहूंगा देखने वालों को अपने अंदर वो खुद चीज पैदा करो कि मैंने जिस बंदे से मिलना ना वो हुँ। हुँ। आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आप उससे कोई नई चीज सीखो फिट है मुंह है उस बंदे का जो किसी से कुछ नहीं सीख रहा अगर आप समझते हो अपने दोस्तों में बैठ के आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और लायक हो ना यू नीड टू मेक न्यू फ्रेंड्स जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट और लायक है बिल्कुल जो आपको पुश करते हैं कि यार अच्छा भाई ये तो अच्छी गल है सही लेकिन अच्छा सॉरी बात का आट रहा हूँ मैं उधर ही वापस लेके आ रहा हूँ कि जब आपको पता लगा शाहरुख खान जैसे सबको पता किंग ऑफ बॉलीवुड उनसे आपने मिलना है या आगे कोई सिलसिला चलना नर्वस थे उस वक्त क्या फीलिंग यार बात पार्टियां लग गई थी दिन पहले सॉरी मतलब में शहजाद नहीं चुकनी पड़ी वो ये है नर्व्स नर्व्स जो 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 होती है, जो पॉजिटिव होती हैं, हैं, पॉजिटिव जिस मैं शेव कर एंड पे मैंने दाढ़ी खराब कर दी फिर शेव करनी पड़ी इतना ज्यादा मैं नर्वस था उसकी सिक्योरिटी थी आपने ये बात नहीं करनी आपने वो बात नहीं करनी आपने ऐसे नहीं कहना आपने होल जस्ट लेट डाउन के uh, when you went there they guide they told you you can say this you can't say this how it happened yani ke pura main aapko batata hu lekin ab wo what happened there was totally opposite what is happening here अब आपने कहा ना आपकी अपनी जगह पी लो <laughs> अब बात कर लो yes. वो opposite था Sorry आपने यू नहीं बैठना अच्छा आपने उनके करीब नहीं आपने टच करके हग नहीं करना आपने ये नहीं करना लाइक लिटरली दे टेल यू दे बेसिकली और मजे की बात आपको बताऊं जो शाहरुख खान साहब खुद है ना वो जब आपको मिलते हैं ना वो टोटली ऑपोजिट है सो बेसिकली इज अ अ एंड ठीक वो जब लोगों से मिलते हैं ना वो मतलब मुझे याद है वेटरेस वगैरह दूर से देख रहे थे और वो उठ के गया स्पेशली उनको बुला के लाया उनके साथ जाके उसने सेल्फियां ली सारा कुछ किया लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड करीब खड़े थे वो किसी बड़े वो अफसर को नहीं था करीब आने दे रहा क्या बात है यू नो सो इससे मेंटल गेम है सारी तो फिर वो मिला मेरी बात हुई तो फिर एंड पे मैं भी थोड़ा मैं अपना भी आप दिखाना चाहिए उसने दो तीन मुझे बातें की सर मैं शाहरुख जी सर वो आ, आपकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही मैंने वैसी बात कही तो कहता है नहीं तुम्हारी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो रही <laughs> <laughs> so, मैंने दाना फेंका उसने उठा लिया मैं सेंस ऑफ ह्यूमर है फिर मैंने कहा शाहरुख जी मैंने एक आपसे क्वेश्चन करना है कि वो मुझे ये बताएं कि जो एक टाइम था देवदास जब आई थी तो आजकल पारो क्या कर रही है और आजकल देवदास क्या कर रहा है कहता है यू कैन मीट वट यू थिंक देवदास इज डूइंग मैंने कहा hey, बाबूजी बाबू जी ने कहा हवेली छोड़ दो माँ ने कहा पारो को छोड़ दो पारो ने कहा शराब छोड़ दो और आजकल पारो के बच्चे कहते हैं मामू हमें स्कूल छोड़ दो <laughs>

मैं सिंगर नहीं हूँ लेकिन मैं गा लेता हूँ टूटा भजा उससे आई थिंक कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई लोग बड़े नर्वस होते हैं उनको माइक यूज़ करना नहीं आता उनको पता नहीं है कि अपनी आवाज़ का उतार चढ़ाओ क्या है तो वो अब <coughs> मैं सिंगर नहीं हूँ लेकिन मैं अगर आप मुझे क्यों अगर दो लाइनें आप सुनाओ तो मैं आपको सुना सकता हूँ hmm, तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है <laughs> क्या बात है यार <laughs> वाकई कुछ कुछ होता है <laughs> इसको कहते हैं प्योरली अंदर के खूबी यस yes. ये अंदर के खूबी <laughs> इसको कहते हैं परफॉर्मर हम्म hmm. दिस इज परफॉर्मिंग एंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट यानी किन बी सिंग एज वेल एंड इट कैन बी समिंग वेरी सीरियस डायलॉग सुना तो सीरियस <laughs> इसी बात यह <पे>. है <laughs> yeah, पता चला ना जरा एक लड़की थी दीवानी से एक लड़के पे वो मरती थी चोरी चोरी चुपके चुपके गलियों से गुजरती थी न जाने क्या कहना था उसको जाने किससे डरती थी जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी

इससे पता चलता है आदमी का कि वो जो करता है जो कहता है वो फैक्चुअल है या नहीं है मेरे साथ मसला एट मिस्टिसिज्म या रुहानियत में आ जाती है क्योंकि में। नाच्रल। जो, जो मौलवी होता है उसकी हर चीज एंडिंग जो है फतवे नहीं, नहीं।, नहीं फतवा <laughs> तो एक वैसे जो लेकिन वैसे जो है रसूल पाक अल्लाह की शान मौलवी का ये है अजान देने वाले का एंडिंग वो मोहजन है तो वज़ान की तरफ वो उसे वो वो बिगनिंग की तरफ जाता है मोजिन का बयान उल्टा है मोजिन का अगर खूबियों में बताई जाए तो वो हमेशा शुरू की तरफ जाता हो अल्लाह अकबर गॉड इज ग्रेट वो स्टार्ट की तरफ जाता है मोजिन का इट लेकिन देखें आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वन डिफरेंशिएट फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारा बनाने वाला एक है हमारी रूह को उसने पैदा किया है हमारी हर चीज़ को उसने पैदा किया है आपको बताऊं कि आप मुझे जानते नहीं हो किसी डिफरेंट कंट्री के हो डिफरेंट वर्ल्ड में रहते हो अगर खुदा नास्ता मुझे आपके खून की ज़रूरत है बोन मैरो की ज़रूरत है हमारा मैच करता है मैं आपको एक हम एक दूसरे को अपना खून दे सकते हैं किडनी दे सकते हैं कोई बॉडी पार्ट दे सकते हैं लेकिन जो हमारी असल में आइडेंटिटी है वो सिर्फ हमारा थम प्रिंट है जो हमारा बार कोड है वो यही है कि हम हमारे दुनिया में से किसी से भी हमारा किसी के साथ थम नहीं मिलता फॉर इंस्टेंस कि हमारे जो फिंगर हैं फिंगरप्रिंट जो भी होते हैं, वो फर्क है बाकी हमारी सारी चीजें एक है आप मुझे बताए ना क्योंकि हमारा क्रिएटर एक है आप पिकासो की फोटो देखते हो डिवेंची की देखते हो आपको देखते लग जाता है कि यार ये इस आर्टिस्ट की फोटो बनी हुई है तो यार जब इंसान इंसान को मिलता है इंसान को देखता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं खुदाई नजर आती है कि नहीं आती है किसी में खूबसूरती है किसी में जलाली है किसी की आवाज अच्छी है कोई सुनने वाला है कोई वैसी अंदर से खूबसूरत है कोई बाहर से खूबसूरत है तो, तो अल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हर जगह तू एक दो तुम एक गोरख धंधा हो, तो हो हर चीज में है और मैं अपनी बता दूँ कि क्या कहते हैं उसको हम दरवेश हैं हम खून नहीं देते <laughs> हम ठेंगा दे देते <laughs> <laughs> हम कंप्लीट दे देते दे हैं दे, खून नहीं <laughs> देते दे दे और इसकी मैं लाइव में मिसाल दे दूँ आई थिंक तीन चार साल हो गए कोई ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ बिग गर्ल का ना जैसे होता है ना ब्लड टेस्ट डॉक्टर के पास जाओ नॉर्मल के ब्लड टेस्ट कर लो ये हो रहा है स्कूल में फल हो रहा है फलाना तो ब्लड टेस्ट हुआ तो मैंने अफशी को कहा मैंने कहा ब्लड टेस्ट ना कराना आप हमारे यहाँ ब्लड टेस्ट नहीं कराते हॉस्पिटल्स में इसी वजह से नहीं जाते कि खून बाहर ना जाए क्योंकि ये खूबी जो है रूहानियत की जी। ये खून में दौड़ती है अब कॉमेडी की जो खूबी है वो इसकी नस्ल में दौड़ेगी क्योंकि मेरे वाले साहब इस वाले साहब वाज वेरी फनी तो ये, ये चीज है कि दिस इज हाउ इवॉल्व शेर और कुत्ते वाला फर्क आ गया ना बिल्कुल कि शेर का जो बच्चा है उसको पालना पड़ता है जो कुत्ते के बच्चे हैं पाल जाते हैं बिल्कुल वही बात है कि नया राग है साज साहब क्या बात है बड़ी डीप बात और यही यही बातों को अगर आप आगे हमने सिर्फ देखें ऑल वी हैव टू डू इज एवरीबडी ठीक है और मैं इस चीज का खुद विक्टम हूँ ठीक है ना मैं शायद आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू एडवाइज क्योंकि ये चीज मेरे पे शायद सूट नहीं करती लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और बंदा इससे मुस्तफीद नहीं हो सकता शाह साहब जो है इज अ सिंगल टन बेसिकली मैं इनका नाम रखा हुआ है सिंगल टर्न ही है ना क्या क्या जिंदगी गुजार रहे हैं? मुझे बताओ जरा खाने पीने की इनको कोई पता नहीं है मतलब के सो रहे हैं जाग रहे हैं नॉन स्टॉप यही सोच रहे हैं यार किसी का फोन आ रहा है किसी का मैसेज आ रहा है एडमिन वालों की माँ भैन एक हो रही है यह नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे उसको ये गया उसको ये गया उसको ये। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक चीज को डेडिकेट कर दी है इनके बच्चे इग्नोर हो रहे हैं ठीक है वाइफ इग्नोर हो रही है वो भी वैसे कोई गलत नहीं है लेकिन फिर भी अपनी लाइफ में ये उस तरह इन्वॉल्व नहीं है जो दुनियावी सो कॉल्ड चीज़ें हमें करनी चाहिए बिल्कुल मां बाप क्या कहते हैं हाय मेरा पुत्र जवान हो गया कर, बच्चे कर फिर अगे दे बच्चे डूइंग द ऑपोजिट कि जी ने बच्चे भी देख लिए साल लेकिन उनसे दूर हैं महरूमी आ गई ना कहीं ना कहीं लेकिन इनकी जो सर्विस है इनकी डेडिकेशन इतनी ज्यादा है कि ये उस चीज को जब तक मैं समझता हूं जो कहना मैं चाह रहा हूं पॉइंट Until, आप सैक्रीफाइस किसी चीज को नहीं कर सकते ना आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते है। right, जो है न, हम खून दे नहीं सकते मगर सर कटा सकते हैं क्या बात है। ये चीज है खून नहीं दे सकते मगर सर, सर कटाने की कटा सैयदों में नसल दर्द नसलदार नो इनसे कुछ ले नहीं सकते ले नहीं सकता ये दे सकते हैं ले नहीं सकते

एक वर्ड है रूहानियत में भी यूज़ किया जाता है जी एच ख़ान साहब से भी मंसूब किया जाता है और ये वर्ड जो है क्या कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ से भी मंसूब किया जाता है जिसको कहते हैं गरीब नवाज, गरीब नवाज़ क्या गरीब, बात है? गरीब को नवाजने वाला अच्छा इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप कोई बहुत ही बड़े रूहानी पैरका हों या आपके पास साहिब इल्मों और साहिब मार्फतों के मैजिक कारपेट हो के यू कैन फ्लाई एंड डू थिंग्स लाइक दैट उसके लिए बेसिकली ये होता है कि मेरी कुल वर्थ होती है हर आदमी की जैसे कि मेरी कुल वर्थ होगी बीस पाउंड एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ अगर कोई मेरे पास सवाल ही आ जाए कि जी मुझे बाईस पाउंड चाहिए तो क्या होगा आदमी बोलेगा भाई मेरे पास तो मेरी वर्थ ही बीस पाउंड है बिल्कुंग, तो, बिल्कुंग। तो ये मैं बीस दे देता हूँ या उन्नीस दे देता हूँ एक मैं रख लेता हूँ अच्छा अगर कोई आ जाता है कि जी मुझे दो पाउंड चाहिए वो उसको वो दो पाउंड दे देते वो गरीब नवाज़ होता है कदर और खूबी क्या होती है इसके अंदर क्या वट इज द क्वालिटी इन दिस थिंग गरीब नवाज होने में क्या? हर आदमी अपने अस्तात के मुताबिक अपने से कम तर को दे ये हुँ. इस्लाम का तरीका है ये ज़कात का भी यही फार्मूला हैंगटन वे होल्डिंग नॉट दिस मानी आप हो गए और बाकी लोग जिन जिनको जानता हूं ये वो जिनमें ये खूबी होती है ना देने वाली वो गरीब नवाज कहलाते हैं अब लाजमी नहीं है कि बहुत बड़े रूहानी हो और दस्तरखान हो जस्ट टॉकिंग जनरल टॉकिंग जनरल जनरल यानी कि से मतलब जो अपनी पोजीशन में जो जितना कर सके यस yes, अपनी पोजीशन में जितना कर सके गिविंग पोजीशन गिविंग पोजीशन में इनके पास टैलेंट है आर्ट है बहुत सारी जगहों पे ये ठीक है बिकॉज बेसिकली

मानी क्या बोलेगा चल हट नहीं सवाल <laughs> ही नहीं पैदा अल्लाह माफ करे सर खुद ही बना के देंगे अगर हम कुछ जरूरत पड़ने मैं इनके घर जा चुका हूँ खाने से हाँ, बिलीव मी अल्लाह माफ़ी <laughs> 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 क्या कहते हैं पता चलता है कि वजन से लगा, है। लगा। उस दिन हमने बीमारों के लिए खाना बनाया <laughs> मिर्च ना हो ये ना हो वो ना हो। <laughs> नान जो है मैं मैंने कर... यकीन करो मैंने अम्मी ने अम्मी को मैंने कहा मैंने कहा अम्मी मैं किसी चीज एक्स्ट्रा नहीं डालनी अम्मी कहती फिर ऐसा करो मुझे कागज पे लिख के दे दो मिर्च नमक आ, नहीं। <laughs> <laughs> मैंने इस तरह ही ना में डाली तवीज़ हो रहा है ये, ये, ये <laughs> एक अजीब बात है इनके घर मैं नान जमाना है दराज से नहीं खाया था, लेकिन इनके घर मैंने नान खाया दो दिन तकलीफ रही क्योंकि लेकिन मैं खाया जरूर खाया। क्योंकि वही बात है क्या बात है इसके अंदर रास क्या है बताएं आप इनकी वालदा ने पूछा ऐसे था हाँ। ना क्या ना बात सकता था बड़ी ना नहीं करता ना नहीं कर सकता था और मानिए इस चीज का गवाह है जब बात होती है जब बात होती है टेलीफोन पे भले दो मिनट अम्मी को सलाम बोलते हैं और बोलना दुआ में याद रखे सबसे

नहीं, नहीं लेकिन आई एम सो मेरी मेरी असल में नेचर जो है ना वो बिल्कुल स्पीकर वाली है मैं मैं माइंड नहीं करता हंस पड़ता आगे से <laughs> है ना ये आप में मुझे अजीब सा एक ठहराव नजर आया वो कहते ना आप में आप टैलेंट तो हो लेकिन आपने आप सीखने वालों में से हो और आपने हर चीज को पिक किया है आपको माशाल्लाह पहनने ओढ़ने का पता लग गया स्टाइल का बहुत पता लग गया है और ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं आप इंसान की डेवलपमेंट कभी नहीं रुकनी चाहिए बिल्कुल अगर उजड़ना है ना तो फिर उजड़ो के जिसना उजड़न का हक होता है लेकिन बनना है सवरना है ना फिर ऐसे बनोगे जैसे सवरने का हक होता है बिल्कुल जैसे बड़े शाहजी कहते हैं ना कि जो काम करो उसको इंतहा तक इंतहा तक जो बंदा देखो हाफ हार्टेडली कर ही नहीं सकती जो इश्क है ना मोहब्बत है वो बेसिकली उस बंदे का काम ही नहीं है जिसने यहां पे कैलकुलेट करना है hmm. हो ही नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं है यू नो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला अगर मैं इसको सिर्फ अल्लाह ताला की बताई हुई चीज को मैं आम अल्फाज में यूज करूं व्हेन देर इज लव देर इज नो लॉजिक क्या बात क्या बात ओके क्या बात है क्योंकि इफ देर इज लॉजिक देन आई एम सॉरी देर इज नो लव बिकॉज लव ऑन इट्स ओन इज इलॉजिकल इलॉजिकल यस तो फिर लॉजिक ढूंढते हो गए मोहब्बत में अच्छा रेपअप की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा ही है एक आखिरी आखिरी कर लेकिन <laughs> बेसिकली क्योंकि इस्पॉन्ड प्रोग्राम का हाँ, ये होता है कि हमें ख्याल रख आप तो समझते हैं इस चीज़ को तो मसला ये कि आखिरी सवाल मैं यही करना चाहूंगा कि जो यंगस्टर्स हैं आपको देख के बहुत से लोग इंस्पायर होते होंगे जो इस फील्ड में आना चाह रहे होंगे यंगस्टर्स के लिए आप क्या एडवाइस या उनको क्या पैगाम देते हैं बच सकते तो बच जाओ सिंपल इज दैट ये शाह जी वाली बात कर दी मैंने दूर रहो दूर रहो मुझसे बस उसकी वजह ये है कि ये बेटे और बच्चों मेरे मैं बिल्कुल आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये बीमारी आपको फिर सारी जिंदगी निभानी पड़ेगी आप छोड़ नहीं सकते ठीक है ना ये कंबल वाला साहब है कि कुछ है मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ कंबल मुझे नहीं छोड़ता कंबल नहीं था रीच था फिर <laughs> वो मारेगा वो खाएगा लेकिन अगर नेचुरल एबिलिटी है फॉर द राइट रीजन देन यू शुड पुश इट फिर आप अपने आप को पुश करो आप इसको इल्म हासिल करो अच्छे लोगों में बैठो सोचो मुताया करो इंसान का जितना ज़्यादा मुताया होता है जितनी ज़्यादा वकेबलरी होती है आप में उतनी कॉमेडी आती है उतनी रूहानियत आती है बिल्कुल कि अगर आप अपने आप को एक डब्बे में बंद करके कर, कर लोगे ना फिर आपकी सोच सिर्फ डब्बे जितनी है बिल्कुल लेकिन जब आप बाहर निकलते हो सुनते हो सोचते हो कॉमेडी इज अबाउट ऑब्जर्वेशन जो बंदा ऑब्जर्व नहीं कर सकता जो बंदा सुन नहीं सकता ना वो कॉमेडियन नहीं बन सकता क्या बात है तो बस अच्छा सुनो जो और बुरा भी सुनो ताकि आपको अच्छे बुरे में दोनों में हर महफिल में बैठना चाहिए इंसान को बिल्कुल ठीक है ना हमें ये ये बड़ा बड़ी दफा बताया गया है कि वो ऐ नहीं करना ऐ नहीं खाना ऐ नहीं पीना ऐ नहीं करना लेकिन दूसरी साइड पे हमें यह नहीं बताया गया कि की खाना है की करना है की पाना है बिल्कुल क्या बात है तो ये बैलेंस होना इंसान की जिंदगी में बहुत ज़रूरी है ओके ओके और बाकी ये कि मैं एक मानी को थोड़ा सा

याद रख मैं इन्हीं लोगों की और तेरा यार यार भी भी आ गया स्पीकर 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 उसके अंदर बजे बजे और मैं इन्हीं लोगों की वजह से यहां बैठा हूं गाइड hmm. hmm. <laughs> hmm. hmm. yeah. अब मैं रात की मिसाल दू कल रात ज्यादा बोलने वाली बाजी का फोन आया सुबह ज़्यादा बोलने वाली बात हाँ। <laughs> उनकी वालदा जो है वो वेंटिलेटर पर चली गई oh, oh, oh. और वो कहने की मैं हॉस्पिटल बैठी हूँ तो मैंने कहा ठीक है ये पढ़ लो कह रही है कि फिर मैंने कहा पढ़ोगी कैसे तो कहने की मैं डाउनलोड कर लेती हूँ वेबसाइट से मैंने कहा नो हाँ। फोन अभी काटोगी तो मिल जाएगा क्या पढ़ा अब माशाल्लाह से वो डॉक्टरों से लड़ रही है उनकी वालदा मैं एक बैक छोटी सी एक चीज अगर आप इजाज़त दें एक शख्स था इस तरह कोरोना की वजह से आजकल की बात है वो लेट एटीज़ अर्ली नाइनटीज़ में था इटली में वाक़ हुआ ये और वो ठीक के निकला है वेंटिलेटर पे था अठारह दिन के तेरह दिन इस तरह करके पंद्रह दिन तो उसको डॉक्टर ने जाते हुए एक बात कही डॉक्टर ने कहा कि ये तुम पिछले पंद्रह दिन से इस पे हो ये तुम्हारा बिल है तो वो रोने लग गया सुनने वाली बात है रोने लग गया कहता है तुम बुजुर्ग हो हम जानते हैं मैं तुम्हें डिस्काउंट मिल दिला सकता हूँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है होए ओए 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 ओए। कहता है यार पंद्रह दिन मुझे मशीन की वजह से सांस मिला है और ये बिल है कहता है अस्सी साल जो मुझे खुदा की वजह से सांस क्या मिला बात है, है। बात मैं है। उसका कैसे पे करूंगा बिल्कुल तो मैं अपने चैट वालों से भाइयों और उनकी बहनों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि भाई बड़ा सिंपल फार्मूला है शुक्रगुजार बन जाओ सही बात है। आपको खुशी खुद ही आके मिलेगी आप खुश होने की वजह से शुक्र अदा नहीं करते आप शुक्र अदा करने की वजह से खुश होते खुश हो।, हो, हो खुश होते हैं इट्स वेरी सिंपल ग्रैटिट्यूड ब्रिंग्स हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैपीनेस ब्रिंग ग्रैटिट्यूड सो यू so नीड टू बी शुक्रगुजार आपको इस चीज का शुक्र अदा करना चाहिए आप जिस मर्जी हाल में हो फिर देखो अल्लाह ताला आप पे कैसे करामात करता है क्योंकि रिस्क का वादा है और उसी के पीछे हम भाग रहे हैं और जितनी मेहनत आप रिस्क के लिए करते हो अपने रिलेशन के लिए भी उतनी करो ज्यादा करो क्योंकि इंसान की असल खूबसूरती इंसान का असल जो गहना है वो उसके रिश्तेदार या फैमिली नहीं है लेकिन उसके रिलेशंस हैं कि वो अगले इंसान को दूसरे इंसान को कैसे ट्रीट कर क्यों शाह जी सही बात है और ये जो आज, आज आपको इतनी मोहब्बत प्यार आपकी वजह से हमें भी मिल रही है शाह जी उसकी वजह ये है कि यू आर यू आर माई मैं यू आर अडर लीडर, स्परिचुअल लीडर, no नहीं अलहद लेकिन यू आर सो हम्बल कि आपको ऐसा लगता है हम अपने बड़े भाई से हालांकि मैं छः महीने आपसे बड़ा लगता हूँ और तकरीबन अस्सी किलो आपसे ज्यादा वजन होगा महीने नहीं यार ज़्यादा <laughs> तुम जवान हो जाओ रेशमा जवान हो गए <laughs> 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 मेरा ख्याल से ये रैपअप की तरफ जा रहा है ले, लेकिन लेकिन मैं एक बात बता दूँ मानी की जो बात है मैं अपने वाले साहब की मिसाल दोबारा दूंगा यहाँ पे बिकॉज आई ऑलवेज टॉक हाईली अबाउट हिम जी जी बोले वो जो है कि जो जो इंटरेस्टिंग चीज है मेरे वाले साहब कहते थे कहते थे कि दुआ जो है ना जब वो दुआ करते थे वो पूछते थे लोग उनसे कि दुआ का वो कह रहे हैं मैं एक ही दुआ मांगता हूँ अल्लाह ताला से क्या तो बरसा बरस कह रहे हैं मैंने हमेशा एक ही दुआ मांगी है वो दुआ क्या है क्या कि ताला मुझे अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल सुबह सुबह मैंने एक ही दुआ मांगी है बाकी मैं दुआ नहीं मांगती क्या बात है कि मुझे आजिज कर दे बस इतनी सी देखो जो बंदा अल्लाह ताला की नौकरी करता है ना उसको दुनिया की चाकरी मिल जाती है क्या बात है है बड़ी सिंपल है। मैंने बड़े 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 कभी भी जो दरवेश होते हैं ना वो बादशाहों के पास नहीं जाते हैं बड़े बड़े बादशाह जो होते हैं ना वो दरवेशों के पास आते हैं बिल्कुल क्योंकि असल में बादशाहत वहीं से सीखते हैं वो लोग और जब और जब क्या कहते हैं उसे दरवेश बादशाह के पास गया है हाँ। तो फिर तख्ता पलटा है तख्ता पलटा गया और मैं एक बात मैं मानी को ऐसे छोड़ूंगा नहीं आपको पता है मैं पकड़ के रखूंगा या छह घंटा बिठा के रखूंगा यू नो वॉट ठीक <laughs> <laughs> है <रहा। laughs> यस यस या दस, <laughs> या अब पता चल रहा है तीर कमान हो गए स्पॉट <laughs> तो, <में> <laughs> yes. ये मेरे बड़े शाह के लिए गुजारिश है आप सबसे कि एक दफा द्रूषी पढ़ लें मुझे इश्क है तो खुदा से है मुझे इश्क है तो रसूल से ये करम है जरा बतूल का मेरे मुंह से आए महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के मैं तो तन का गुलाम मैं तो पंजन का गुलाम मुझे इश्क वो समय मुझे इश्क सारे चमल से है मुझे इश्क उनके वतन से है मुझे इश्क उनकी गली से है मुझे इश्क है तो अली से है मुझे इश्क है तो हसन से है मुझे इश्क है तो हुसैन से मुझे इश्क जमन से है मैं तो पंज तन का हूँ हुआ कैसे तन से वो सर जुदा इश्क़ हो वहीं कर बला मेरी बा नहीं की बात है मेरे सामने वो ही जात है वो वही जिनको शेर खुदा कहें वही जिनको आले नबी कहें वही जिनको जाते अली कहे वही पुख्ता मैं तो खाक हूँ मैं तो पंजन का गुलाम हूँ मैं कमर हूँ शायरे बेनवा मेरी हैसियत ही भला है क्या वो है बादशाओं के वो है बादशाओ के बाद मैं उनके दर का बसिक गाँ मेरा पंज तन से है वास्ता। मेरा निस्बतों का है सिलसिला मैं फकीर गैर खयाम हूँ मैं तो पंज तन का hmm. <coughs> सुबह मानी भाई क्या बात क्या है बात है क्या बात है <coughs> क्या बात है वाकई इससे आगे तो कोई बात करने को नहीं रह जाती जबरदस्त नहीं रहती है क्या क्या बात है क्या बात है वाके? ये बात आगे करने को है यानी के रोंटे खड़े करने वाली बात है ये रोंटे करने वाली, वाली बात है और ये, ये 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 चीज जाती है अंदर की खूबी में दिस इज फ्रॉम इनसाइड ये ऊपर से नहीं कर सकता बिल्कुल ये अंदर की खूबी अल्लाह पाक का करम है मौला का करम है कि माशाल्लाह के बात अब तक बनी हुई है वरना यकीन करें हम ए, मैं तो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हूं मैं ना ही अपने आप को इस काबिल समझता हूँ कि बिके न थे तो कोई पूछता न था बिके न थे तो कोई पूछता न था तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया क्या बात है क्या बात तो बस ये बस मैं जाना थे मेरा जोगी जाने ठीक और, और इसी बात पे इसी बात पे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दे मैंने <laughs> भूख लग गई पिज़्ज़ा नहीं आज आज बिरयानी है बिरयानी आई चार किस्म की बिरयानी है और मैं नाम भी ले लूं खाने वाली बिरयानी खाने वाली बाजी की बिरयानी जरा जरा वाली जरा जरा वाली बाजी, जरा जरा वाली बाजी, बाजी की, की बिरयानी और रिजवान भाई एक रिजवान भाई की बिरयानी और तीसरे ये के जो तो रिजवान भाई ने की अपने पाट के गोश्त की बनवाई ये पता नहीं ये पता चलेगा इन्होंने किसके गोश्त की बनवाई पूछो गोश्त ही नहीं यार फिर फिर तो वो वो नली वाली बिरयानी एक बिरयानी ये भी बनवा के लाए जरा जरा वाली क्या जरा जरा टच मी टच मी टच वो वाली बिरयानी वो बहुत खतरनाक बिरयानी अल्लाह खैर करे फिर हैप्पी बिरयानी डे जी જરા 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 વાલી બાજી જો હે ના વો મે એક અજીબ બાત બતાતા હું વો વાહદ બાજી હોંગે આઉટ ઓફ ધ હોલ ઓફ માય ટુ ફોన్స్ જી જિનકે ફોન કા لازમે જવાબ જاتا હે સુબહ જાહેર پتہ نہیں کیوں બિરયાની આની હોતી હે હા બિરયાની આતી હે શાય لازમે જવાબ જاتا હે એક અજીબ એટલે કે એક अगर उनका मैसेज ना आए ना जी तो आटूंक क्या हुआ है यानी कि वो आप सोचते हैं मैं जरा, रहा। जरा मैसेज तो मैसेज मैसेज करता नहीं हुँ। हुँ। बहुत ही हाँ, रह बहुत। रह होता है आपको टैक्स करना मैं एक बात बता दूँ की मुझे समझने के लिए मोजी समझनी पड़ेगी बड़ा मुश्किल काम है भाई लेकिन मैं सिर्फ जाते हुए एंड करूंगा सबसे पहले शहजाद भाई थैंक यू आपका माशाला आपने इतना अच्छा कंडक्ट किया आई एम सो प्राउड ऑफ यू और आपको आ, कभी भी इन मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो इस मामले में तो आई एम डेफिटली हाजिर जी कि वो आपकी नज़र करम ही माशाला ऐसी हुई हैं कि मैं खुद से खुद ही हो गया तो वो फिर जहाँ से आप प्यार की बात शुरू होती है वहां पे फिर वो चीजें कुछ ऐसी हैं कि आप बयान नहीं कर सकते हर चीज का क्योंकि आप सिर्फ महसूस करते हो क्योंकि मोहब्बत आप कभी भी किसी को बता नहीं सकते आप किससे कितनी करते हो लेकिन आपकी नजरों से आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपकी एनर्जी से <coughs> वो चीज नजर आती है दूसरा जो सुनने वाले हैं देखने वाले हैं प्लीज कहा सुना माफ अगर मेरे से कोई ऐसी बात हो गई हो जो आप लोगों को बुरी लगी हो तो आई डोंट केयर डों लेकिन फिर भी मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा मानी लिया वीडियोस हैं कुछ है इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से आपको जरूर मिलेगा और आपकी तरफ से इतनी भी बाजीज़ की रिक्वेस्ट आती है ना मैं ज़्यादा लेता नहीं क्योंकि बहन वो होती है जो अल्लाह देता है सिंपल यू नो आपस ही गल मैं नहीं भैर कितने लैके जावा <laughs> शाह जी अफोर्ड कर सकते मैं नहीं अफोर्ड करता तो मेरी शादी नहीं हुई हुई तो प्लीज सिंगल औरतें सिर्फ <laughs> रहा करें इन फुल टाइम जॉब अभी वाइफ की भी अवेलेबल है तो फिर वो आ जाए बाकी आप शाजी कही ना उनको बाकी मैं क्या बोलूँ वो <laughs> खुद देख रही है वो कह रही है अल्लाह बचाए शहजाद तो रैपअप करते हैं जी मानी भाई थैंक यू वेरी मच आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और बिल्कुल ये आपसे अभी करवाएंगे हम नीचे जाके <laughs> लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही के बहुत बहुत शुक्रिया <laughs> बहुत अच्छा लगा बहुत जबरदस्त प्रोग्राम किया बहुत पता नहीं लगा वाकई स्पीकर अभी भी लगा हुआ है हंस रहा अभी पता चल पेगा तो ये आग में तारा काटना या तेरे स्पीकर को पॉप कर पॉप, पॉप कर पॉप मैं पॉप कर <laughs> जबरदस्त तो जितने लोग चैट पे थे जितने लोग देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ निभाने के लिए मानी भाई के YouTube के लिंक्स और सब डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मिल जाएंगे लिंक्स भी मिल जाएंगे थोड़ी देर थोड़ी देर में तो वो अपडेट कर दिए जाएंगे और उसके अलावा आज के स्टूडियो इन्वाइट से इजाजत चाहूंगा तो इनशाला नानी से वो तो पूछ लो वो तो यस ये तो कमेंट यस ये हाँ, कमेंट तो लाजमी है क्योंकि मानी भाई आप इतने अरसे से इस इंडस्ट्री में रहे हैं आपका देखने की आपकी जो नजर है जो तरीका का डिफरेंट तो है, है। जी जी yeah. तो सियासी बयान नहीं चाहिए सीरियसली आप जब इंटर हुए हैं क्योंकि आप भी लॉकडाउन की वजह से काफी अरसे बाद आए स्टूडियो को देख के इधर बैठ के कैसा लग रहा है स्टूडियो के एंड वी टू यू नो योर क्योंकि आपसे जो है ना मुझे

आई वॉज टू शोर अबाउट द ब्लैक लेकिन ए वर्क ब्यूटिफुली जबरदस्त बाकी लाइटिंग और ये रिकॉर्डिंग और मज़े की बात है कि मैंने शो शुरू होने से पहले एक्चुअली वीडियो बनाई है जो वही इस चीज़ का सबूत है मैंने ये मैंने वीडियो बनाई मेरे स्नैपचैट पर मानी कॉमेडी पर सारे देख सकते हैं और वो ये वीडियो थी कि दिस इज हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन हाउस स्टूडियो एक्सपीरियंस बाई एक्चुअली पीपल हु आर इंडस्ट्री और मेरा एग्जैक्टली exactly वीडियो बनाने का मकसद यही था कि वो वीडियो जो अगर आप देखोगे उसमें यही था कि इस तरह के कैमरे फोर के जिस तरह आपने मॉनिटर लगाया हुआ है जिस तरह हमारा एक पॉडकास्ट सिस्टम है अब मैं स्मोक भी कर रहा हूँ मैं समझता हूँ दिस इज अवन मुझे दिखुँ। दिखुँ। आप सारी रात इधर बैठा अब मुझे एग्जैक्टली exactly पता लग गया कि शाहजी इधर क्यों बैठा ब्लैक इसकी एक अपनी एनर्जी है एक अपनी खूबसूरती है एक अपनी बात है लेकिन मैं ये कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आप जुलाए कुर्सी वड्डी होनी चाहिए <laughs> थी होने चाहिए से से साथ भी सब हाँ, कुछ है ये तो वो ऐसी अभी प्रोग्राम खिलाया आज मेरा खाता है लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी है शहजाद की है दिल से क्योंकि मुझे था कि वो आ, आज आप लोगों में से किसी ने प्रेजेंटर ने भी कि, किसी ने कॉमेंट भी किया था ना होस्ट की होगी होस्ट इनोसेंट भी तो <laughs> <भाँगा। laughs> बहुत अच्छे भाई ये तो कॉन्ट्रोडिक्शन है कि ये वो भी बात है कि चाय में खरबूजा डबो के खाने वाली बात है इनोसेंट डेवल इन लेकिन अगेन आपके फॉलोअर जितने भी सारा बस अपने आप को आप लोग बेहतर से बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें क्योंकि कोई भी इंसान जो बेहतर नहीं है वो कुछ भी बेहतर नहीं है अपना अखलाक बेहतर करें अपने हमसायों का यारों दोस्तों सबको बहन भाइयों का ख्याल रखें और आ, मेरे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ के दें मैं बहुत शादी के मूड में हूँ कुआरा फिर रहा हूँ मैं इतना कुआरा हूँ कि मैं इतना सिंगल हूँ कि मैं बाज़ार जाता हूँ मैं एक बूट ख़रीदता हूँ <laughs> 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 मैं यकीन करो यार मेरे मेरे मैं यकीन करो मैं पूरा सलाम नहीं करता मैं कहता सलाम मुसलाम कोई और कहता दिया मैं इतना सिंगल हो चुका हूँ कि मैं यकीन करो कि मुझे समझ नहीं आती मैं टी बैग को आधा सेंटर से फाड़ के फिर चाय में डालता हूँ <laughs> <थीज़। laughs> सिंगल लाइफ यकीन करें मैं अपना बेड मेरा काफ़ी बड़ा जा रहा है छोटे बेड पे मैं पूरा नहीं आता मैं एक दिन करवट ली तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने गिर जाना है <laughs> उस जगह पे इतना मैं सिंगलों के जाले लग गए हैं <laughs> रोजाना स्पाइडरमैनस हो रहा होता है वुमन वुमन स्पाइडर वुमन है <laughs> अल्लाह करे ये भी है स्पाइडर वुमन है वैसे क्लियर कर दियो प्लीज पीपल विल हैव सेकंड थॉट पर स्पाइडरमैन व्हाई नॉट वुमन स्पीकर ने मेरे कार के बाहर आ जाना <laughs> लव यू लव मानी अल्लाह तू एनर बिकॉज इट्स यूर ओन प्लेस यू मोस्ट वेलकम एनी टाइम एनी प्लेस एंड ये आपकी अपनी जगह है ये आपकी भी है मेरी भी है शहजाद भाई की भी है जितने लोग चैट में ये उनकी बिकॉज दे है फ्राम <laughs> हाँ. जीरो yes. अभी, अभी हम हंड्रेड uh, तो इस इंडस्ट्री में कोई भी नहीं पहुंचा क्योंकि हंड्रेड है नहीं है इसके अंदर बट स्टिल वी आर एलिटिंग

थोड़ी सी सानू दे, दे हमारे <laughs> अंदर भी हो। <laughs> बाकी I always see कि दैट एनर्जी वी ब्रिंग द बेस्ट होगी बिल्कुल मानी को एक और बात रिक्वेस्ट भी करूँगा और बहुत सारे लोगों ने मुझे <coughs> ये भी कहा है चैट में टू ब्रिंग हिम बैक विद मी और जरूर क्योंकि मानी का मसला ये शेड्यूल बहुत बिजी है यानी कि अभी क्वाइट है तो भी देर आर ऑडियो रिकॉर्डिंग आर वॉइस ओवर आर यानी कमर्शियल वगैरह कुछ ना कुछ चलता रहता है ठीक है ना लेकिन जब जब मौका मिलेगा तो इनशाला हम इन्शाल करेंगे प्रोग्राम मजे का करेंगे और लोगों को इन्जॉय करेंगे बल्कि कुछ ऐसा भी कहीं पे करेंगे जहाँ पे लोगों से भी बीच में तीन चार से बात हो जाए यू यू कैन कैन कनेक्ट द वर्ल्ड वर्ल्ड इज इज इन एन ये सेटअप मानी भाई ऐसा हो गया कि आप चांद पे भी हो ना तो वहां से भी आप कनेक्ट फोन यस ये मैंने मैंने हर चीज को यानी कि होता है ना रिसर्च करके आई डन इट एंड डन इट हम तीन चार आदमी होते थे मैं होता था गौहर होता था शहजाद भाई और भाई ठीक है ना हम चार आदमी बैठ के रातों को वीज टू प्लान इट देन वी डू रिसर्च एंड कि नहीं ये यूं होना चाहिए फोम जैसी बारीक चीज बहुत ही ये अच्छा ये मैं इंटरेस्टिंगली मैं एक और बात बता दूं ये सब लोगों ने

और बाकी सब लोगों का दोबारा से थैंक यू वेरी मच और इनशा आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा अल्लाह हाफिज़ टेक केयर बाय बाय